Now we are going to revise the chapter of Indian Partnership Act, 1932. Indian Partnership Act पहले Indian Contract Act का हिस्सा हुआ करती थी. Now it is a separate act. We all know that, right? ये पूरी की पूरी act पे हमारे eight chapters हैं, which ultimately has seventy four sections. ठीक है. अब ये act आई कब से? फर्स्ट ऑक्टूबर नाइनटीन थर्टी टू से यह एक्ट अपबल है वो कब से आया था वो अगले साल आया था दैट इज फर्स्ट ऑक्टूबर नाइनटीन थर्टी थ्री से ठीक है अब क्योंकि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही आई है एंड पार्टनरशिप इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट partnership is nothing but a type of contract hence the provisions of eCA will also be applicable unless the provisions are inconsistent with ePA मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर सेम बात पे सेम पॉइंट पे दो बातें कहती है तो हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करेंगे ईका को फॉलो नहीं करेंगे बट अदरवाइज द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विल बी एप्लीकेबल क्योंकि वो जनरल प्रोविजन्स है विच आर एप्लीकेबल टू एवरी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट दिस वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफिक प्रोविजन है विच आर एप्लीकेबल ओनली ऑन पार्टनरशिप सवाल ये उठता है कि पार्टनरशिप होती क्या है पार्टनरशिप हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन नंबर फोर सेक्शन नंबर फोर क्या बोलता है इट इज़ अ रिलेशन रिलेशन कैसी रिलेशन एक्चुअली होती है म्यूचुअल एजेंसी की म्यूचुअल एजेंसी मतलब अगर चार पार्टनर्स हैं तो चारों पार्टनर्स एजेंट भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं अगर वो कुछ काम कर रहे हैं वो कोई एक्ट ऑफ फॉर्म कर रहे हैं एजेंट फॉर ऑल अदर पार्टनर एंड अगर कोई और काम कर रहा है देआर ऑल्सो द प्रिंसिपल फॉर द अदर पार्टनर तो एक म्यूचुअल एजेंसी की रिलेशनशिप होती है मैं तुम्हारी एजेंट तुम मेरे एजेंट राइट right? किसके बीच में होती है बिटवीन पर्सनस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी वन ऑफ दम एक्टिंग फॉर ऑल तो इस डेफिनेशन के हर पैरामीटर को हम रियलाइज करते हैं टू वी गेट सर्टन एलिमेंट्स सर्टन एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप भाई यही तो हमारे एक्चुअली एलिमेंट्स है जैसे अगर ये तीन पार्टनर्स है हमारे पास ईना मीना डीका दे हैव एंटर्ड इन टू अ पार्टनरशिप कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज अ फर्म ऑल दर्स कलेक्टिवली देर कॉल्ड एज अ फर्म जैसे हम एक कंपनी के केस में बात करते हैं तो हमारे पास इंडिविजुअल डायरेक्टर्स होते हैं कलेक्टिवली दे आर नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स राइट और इंडिविजुअली आप एक डायरेक्टर होते हो तो इंडिविजुअली ये पार्टनर्स हैं एंड कलेक्टिवली दे आर नोन एज अ फर्म ये अपने फर्म को एक नाम देते हैं सो हु हैव इन टू पार्टनरशिप विद वन एन अदर आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ फर्म और जो उन्होंने नाम दिया है उसको हम बोलते हैं फर्म का नाम ठीक है फर्म्स नेम राइट सो पार्टनरशिप माई डियोर डज नॉट हैव एनी सेपरेट लीगल एंटिटी पार्टनर्स ही हैं उनको कलेक्टिवली हम फॉर्म बुला दे रहे हैं इनकी अलग कोई इस पार्टनरशिप फॉर्म की अलग कोई लीगल पहचान नहीं होती है द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स हुई एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्ट एंड फॉर ऑल एक एक करके मैं आपको अलग अलग पैरामीटर एनालाइज़ कराऊंगी बहुत ध्यान से मेरी बात आप लोग सुनते जाओगे सबसे पहले हमने क्या कहा कि रिलेश रिलेशन का थोड़ा सा मैंने आइडिया आपको दे दिया बाकी हम पढ़ेंगे जब हम ये लास्ट वाला एस्पेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम अगेन म्यूचुअल एजेंसी की बात करते हैं हो क्या रहा है एक पार्टनरशिप में पार्टनरशिप इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना भाई आज अगर मैं काम करने उतरती हूँ मुझे बिजनेस करना है तो मैं सोच सकती हूँ कि यार एक प्रोप्राइटरशिप कर सकते हैं सब मेरा ही होगा है ना प्रोप्राइटरशिप में भी पर प्रॉब्लम क्या होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है भाई आज मैंने बैंक से एक करोड़ रुपए उठाए वो एक करोड़ रुपए डूब गए बैंक वाले तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे भाई तुम ही ने लिए थे मैंने कहा बिजनेस में डूब गए बिजनेस तो तुम ही चला रही थी ना तुम और बिजनेस एक ही बात है तो वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे मेरा घर है मेरा गाड़ी ये सब उठा के लेके जा सकते हैं है ना सो आई एम पर्सनली लाइबल आई हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी द सेम गोस फॉर पार्टनरशिप ऑल्सो पार्टनरशिप में क्या हो रहा है अकेले नहीं मैं जा रही हूँ मैंने दो लोगों को और जोड़ लिया तो हम तीन मिलके ये काम कर रहे हैं अब तीन मिलके हमने लोन लिया भाई अगर लोन बिजनेस के पैसे से नहीं पूरा हो पा रहा है तो हम पर्सनली लाइबल हो जाते हैं तो यहाँ पे भी हमारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है ठीक है देन कम्स यू एल एल पी विच इज एक्चुअली हाइब्रिड बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप एंड देवर आफ्टर यू हैव कंपनी तो वो तो कॉरपोरेट स्टेटस होता ही है वो तो एक अलग ही चीज़ हो जाती है ना अलग ही दुनिया है कंपनी की ठीक है तो पहला पॉइंट यहाँ पे पार्टनरशिप करने के लिए हमें दो लोग जरूरी हैं कम से कम पार्टनरशिप खुद से तो नहीं कर सकते अपने आप से पार्टनरशिप करेंगे या नहीं कर सकते कुछ चीज़ों के लिए कोई दूसरा इंसान जरूरी होता है पार्टनरशिप के लिए शादी करने के लिए कोई और चाहिए ना खुद से तो शादी नहीं कर सकते नहीं न, मुझे मेरी आज़ादी बहुत पसंद है मैरी तो मारी सेल्फ हाँ सब कहने के लिए ठीक है बट ऐसा होता थोड़ी ना सो फॉर अ पार्टनरशिप यू नीड टू एसोसिएट विद समबडी एल्सो इट इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन ना पर्सनस लिखा है क्या पर्सन की जब हम बात करते हैं तो ये पर्सन इंडिविजुअली होना चाहिए मतलब नेचुरल पर्सन ही होना चाहिए ऐसा नहीं है बच्चों ये जो हमारे पर्सन होते हैं ना ये आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं आई एम कंपनी इट कुड भी एल एल पी मतलब ये लोग भी पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं हाँ भाई कर सकते हैं यूजली हमने सिर्फ इंडिविजुअल्स की पार्टनरशिप देखी है बट ये लोग भी कर सकते हैं मतलब मैम एक पार्टनरशिप फॉर्म दूसरे पार्टनरशिप फॉर्म के साथ पार्टनरशिप कर सकता है क्या बोल रहे हो यार सुबह सुबह क्या खा के आए हो पार्टनरशिप फर्म डज नॉट हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी भाई जो लॉ की नजर में एक इंसान ही नहीं है एक पर्सन ही नहीं है उसको कैसे अलाउ करेंगे कि तुम पार्टनरशिप कर लो बेसिक रिक्वायरमेंट पर्सन तो होना चाहिए तुम तो पर्सन ही नहीं हो हाँ दो पार्टनर्स partners मिलके पार्टनरशिप बना सकते हैं समझ में आई बात तो भाई आर्टिफिशियल ही सही लीगल पर्सन तो आप हो तब आप पार्टनरशिप कर सकते हो गेट इट ठीक है मैम उसके बाद आते हैं भाई हम कितने लोग हो सकते हैं टू और मोर आपने लिख दिया मतलब मिनिमम तो टू चाहिए मैक्सिमम कितने होंगे मैक्सिमम के लिए यहां पे तो हमें कुछ नहीं मिलता है बट हम जब कंपनीज एक्ट के सेक्शन 464 पर पे जाते हैं वहां पे एक जबरदस्ती अपर कैपिंग लिमिट लगाई हुई है वहां पे बोला है इलीगल एसोसिएशन की बात बोला है कि अगर भाई तुम लोग इतने सारे लोग एसोसिएट होके बिजनेस कर रहे हो तो मैक्सिमम पचास ही करना उससे ऊपर जाओगे तो तुमको हम इलीगल एसोसिएशन बोल देंगे अनलेस यू आर रजिस्टर्ड एज अ कंपनी तो भैया तो कंपनी बना लो या तो तुमको हम इलीगल बोल देंगे इसमें एक्सेप्शन आता है एफ का ठीक है तो एच का तो यहां पे भी एक्सेप्शन आता है ठीक है वो अभी हम लोगों को थोड़ी देर में और समझ में आ जाएगा फिलहाल इतनी बात समझ में आई तो मिनिमम दो बोल सकते हैं और मैक्सिमम हम फिफ्टी बोल सकते हैं ऑफ कोर्स देयर आर एक्सेप्शंस एक्सेप्शन एक और जबरदस्त ये भी आता है कि अगर आप प्रोफेशनल फर्म खोल रहे हो जैसे सपोज यू आर चार्ट अकाउंटेंट्स और यू आर कॉस्ट अकाउंटेंट्स राइट और आपने अपना एक फर्म बना लिया तो यू आर बींग गवर्नड बाई योर रिस्पेक्टिव एक्ट है ना वो आपको परमिट कर रहा है आप बिल्कुल आराम से अपने फॉर्म में साठ पार्टनर्स भी रखिए कोई दिक्कत नहीं है इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन इलीगल एसोसिएशन क्लियर ठीक है ओके मैम तो पहली बात तो हमें समझ में आई कि पर्सन कितने होने चाहिए और कौन हो सकते हैं जब हम बोलते हैं ना कि कौन हो सकते हैं तो एक सवाल हमारे मन में और उठता है और वो सवाल क्या होता है कैन अ माइनर बी अ पार्टनर द आंसर इज नो वाई कम टू द बेसिक्स पार्टनरशिप इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट में द पर्सन शुड बी कैपेबल ऑफ एंटरिंग इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट तभी तो वो पार्टनर बन सकते हैं हाँ या ना मतलब तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं तो पार्टनर क्या माइनर हो सकता है द आंसर इज नो नहीं हो सकता है ठीक है माइनर को हम पार्टनर नहीं बना सकते हैं पर एक और बात कही गई है कि भाई माइनर को आप एडमिट कर सकते हो जब हम पार्टनर नहीं बना सकते तो एडमिट कैसे कर सकते एडमिट कर सकते हो ओनली फॉर बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप ओनली फॉर बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप मतलब मैम मतलब हो सकता है भैया चार पार्टनर थे उसमें से एक पार्टनर ने एक्चुअली फॉर्म बनाया था बाद में तीन पार्टनर्स जुड़े थे जिसने बनाया था जिसने इतना आगे लेके आया था जिसने इतनी मेहनत की थी उसकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई तो हमने कहा भैया इसका जो बेटा है वो तो बहुत छोटा है माइनर है तो अभी तो ये पार्टनर तो बन भी नहीं सकता है तो क्या करते हैं इसको हम एडमिट कर लेते हैं इसको हम हम मेहनत करेंगे यार इतना हमें दे के वो गए हैं हम मेहनत करेंगे और हम इसको सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स देते जाएंगे फ्रॉम वट एवर ही इज एन टाइटल्ड बिकॉज इज फादर हैज डाइड एज अ पार्टनर तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के हक हाँ में जो मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा हमने क्या किया उसको एडमिट कर लिया टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप हमने कहा तुम किसी चीज के लिए लायबल नहीं होगे क्योंकि हम तुमको लायबल ठहरा भी नहीं सकते हैं पार्टनर माइनर कैन नॉट बी मेड पर्सनली लाइबल की बैंक से लोन लिया पे नहीं कर पा रहे हो तो माइनर का घर द्वार के लेके जा रहे नहीं कर सकते ना ठीक है तो माइनर कैन नॉट बी मेड पर्सनली लाइबल पर तुमको शेयर ऑफ प्रॉफिट्स हम देंगे वॉट एवर बेनिफिट्स वो हम शेयर करते रहेंगे जब तुम तो मेजर हो जाओगे वेन यू अटेन द एज ऑफ यू विल हैव अ चॉइस अटेनिटी स्टिल फील की फर्म आपके लिए बेनिफिशियल है पार्टनर यू मे ज्वाइन इफ यू फील यू डोंट वॉन्ट टू ज्वाइन गिव अ पब्लिक नोटिस एंड लीव ठीक है तो वो अभी हम प्रोविजन बाद में पढ़ेंगे पर फिलहाल हमने ये पढ़ा कि पर्सन कौन हो सकता है पर्सन हमारा नेचुरल या आर्टिफिशियल कोई भी हो सकता है माइनर के केस में ही कैन नॉट बी बी अ पार्टनर बट ही मे एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स समझ में आई बात माइनर कैन ओनली बी बेनिफिशियरी विद कंसेंट मतलब ही मे बी एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स दैट इज द मोर अप्रोप्रिएट की वर्ड्स और ठीक है समझ में आई बात चलो अरे <coughs> मैं यहां पे ये 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 लेके आती हूँ ये है आइडियली हमारे एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन समझ में आया एग्रीमेंट आता है एग्रीमेंट कैसा मैम एग्रीमेंट कैसा यार देखो पार्टनरशिप हम ना स्टेटस से नहीं बनते हैं स्टेटस से नहीं बनते हैं जैसे स्टेटस से हम कुछ चीजें बन जाते हैं जैसे वी बिकम अ मेंबर ऑफ बाय स्टेटस भाई मेरी एच है <coughs> कोई

ओनली इफ देयर इज एन एग्रीमेंट एग्रीमेंट कैसा एग्रीमेंट बिटवीन दर्सन एग्रीमेंट मतलब ये नहीं है कि हमें नेसेसरली इन राइटिंग ही चाहिए कि नहीं नहीं रिटर्न कहीं नहीं लिखा हुआ है ओरल भी हो सकता है और कई बार एक्सप्रेस और एम्प्लाइड भी हो सकता है एम्प्लाइड कैसा मान लो किसी फादर की डेथ हो ही गई और उसका बेटा अगले दिन से आने लगा सब चीजों में हिस्सा लेने लगा और कोई कुछ नहीं कह रहा तो इट इज एम्प्लाइड ठीक है भाई किसी ने कुछ नहीं कहा मतलब इनके बीच में अग्रीमेंट है ठीक है इनके बीच में एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट इज इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट का मतलब पार्टनरशिप डीड ही नहीं है पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच इज इन राइटिंग द एग्रीमेंट हैज बीन डाउन है राइटिंग में वो अलग चीज है ठीक है बट आपके बीच में प्राइमा फेसी एग्रीमेंट तो होना चाहिए ना आप एग्री कर रहे हो कि हम एग्रीमेंट है कि हम पार्टनर्स बन रहे हैं ठीक है एग्रीमेंट है कि हम पार्टनर्स बन रहे हैं अगला पॉइंट हमारा आता है अगला पॉइंट हमारा आता है बिजनेस का। बिजनेस का मतलब क्या है ट्रेड प्रोफेशन ऑक्यूपेशन सब बिजनेस में आता है सवाल ये उठता है कि कई बार जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो हम करते हैं बिजनेस टू एक्वायर गेन मतलब पैसा पैसा कमाने के लिए करते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो हम कोई रिलीजियस पर्पस के लिए या कोई चैरिटेबल पर्पस के लिए कर रहे हैं मतलब हमारा मोटिव ही नहीं है कि हमें प्रॉफिट कमाना है हमें तो ये रिलीजन को सर्व करना है इसलिए हम इनके लिए कर रहे हैं जब कभी भी आप चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए कर रहे हो तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे वेन इट इज फॉर प्रॉफिट गेन देन ओनली इट विल बी ट्रीटेड एज पार्टनरशिप ठीक है सो बिजनेस ये सब इंक्लूड करता है बट ऑफकोर्स द मोटिव हैज टू बी गेन द मोटिव हैज टू बी गेन राइट देन कम्स योर एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स पार्टनरशिप रिक्वायर्स शेयरिंग ऑफ profits एंड नॉट शेयरिंग ऑफ losses. क्या कमाल की बात कही है मतलब ऐसा हो सकता है क्या मैम कि हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं और ये बोलते हैं हम प्रॉफिट तो शेयर करेंगे पर लॉस नहीं शेयर करेंगे देखो जनरल सिचुएशन ऐसी होती है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इम्प्लाइज शेयरिंग ऑफ आल्सो ऑल्सो अगर तीन पार्टनर्स हो और पार्टनर नब्बे हजार का हुआ, तो तीस -तीस हजार तीनों का इफ वन एज टू वन एज टू वन इक्वल शेयरिंग रेशियो है हमारे पास तो और अगर तीस हजार का लॉस हुआ तो दस हजार का लॉस तीनों को बेयर करना पड़ेगा इन द नॉर्मल सिचुएशन हाउ एवर हाउ एवर एक पर्सन ये बोल सकता है दैट आई वांट टू बिकम अ पार्टनर ओनली इन प्रॉफिट्स अभी हम जब टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ठीक है जैसे आप मेरे पास आए आप लोग चार पांच यंग सेट ऑफ बच्चे हो हमने कहा कि चलो यार आइडियाज तो बहुत है बट व्हाट इफ अगर आप बेवकूफियां कुछ कर दोगे और आपको बहुत लॉस हो जाएगा सो आई एम नॉट इन फॉर बियरिंग दैट लॉस अदरवाइज आई एम रेडी टू बी द पार्टनर उन्होंने कहा मैम आप बस आ जाओ आपके इनसाइट्स आपका एक्सपीरियंस ही काफ़ी है कोई भी लॉस होगा तो हम बेयर करेंगे आपको सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा मैंने कहा बहुत अच्छी बात है मैं बन गई आपकी पार्टनर अब क्या हो रहा है आई हैव एग्रीड टू शेयर ओनली द द नॉट लॉसेस और वही तो रिक्वायरमेंट है वही एसेंशियल एलिमेंट है पार्टनरशिप का दैट यू शुड एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स शेयरिंग ऑफ लॉस इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑल्डो इन जनरल सिचुएशंस ऐसा ही होता है लॉस बोर्न इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अनलेस अदरवाइज एग्रीड ठीक है अदरवाइज क्या होता है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग लॉस शेयरिंग रेशियो अलग ऐसा हो सकता है ठीक है ओके okay. क्यों पता नहीं बार बार बीच में खुल जा रहा है है ना ओके नाउ 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 अगले कंसेप्ट पे आते हैं हमारा आखिरी कंसेप्ट वो क्या है म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट मतलब क्या है इफ देर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी तो मैं बोल सकती हूँ ए इज द एजेंट ऑफ बी एंड बी इज द प्रिंसिपल ऑफ ए लाइकवाइज हम इसको वाईसी वर्षा भी कर सकते हैं बी इज द एजेंट ऑफ ए एंड ए इज द प्रिंसिपल ऑफ बी या ना ठीक है तो मतलब कोई भी काम जो बिजनेस का है बिजनेस का है मतलब फर्म का, का काम है एक्ट्स ऑफ फर्म हम एक्ट्स ऑफ फर्म किसको कहते हैं देखो फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी तो फर्म उठ के चल के जाके कोई भी काम नहीं करेगा फर्म के बिहाफ पे कौन काम कर रहा है पार्टनर्स काम कर रहे हैं तो पार्टनर्स जो आप काम कर रहे हो उसी को हम एक्ट ऑफ फर्म भी कह, दो, कह देंगे अब एक्ट ऑफ फर्म अगर मान लीजिए फर्म ने डिसाइड किया है हमने चार पार्टनर्स ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम स्टेशनरी का बिजनेस करने वाले हैं हम क्या करेंगे सस्ते रेट पे स्टेशनरी खरीदेंगे और उसको महंगे रेट पे बेचेंगे दैट मींस हमें माल खरीदना पड़ेगा और उसको बेचना होगा है ना तो परचेजेस भी होंगी और सेल्स भी होंगी अब ये परचेजेस कौन करेगा कोई पार्टनर करेगा हो सकता है ये चारों पार्टनर मिल के जाए और परचेजेस करके लेके आए दैट मीन्स द वर्क हैज़ बीन कैरीड ऑन बाय ऑल ठीक है चारों ने ये काम किया है चारों लायबल है भाई आप चार लोग मिलके गए और उधार पे आपने दस लाख का माल खरीद के लिया है इस दस लाख के लिए आप चारों लोग लायबल हो कैसे लायबल हो ज्वाइंटली लायबल हो एंड सेवरली भी लायबल हो ज्वाइंटली मतलब आप चारों को मिलके ये पैसा देना है मतलब ढाई ढाई लाख आप चारों को देना है ठीक है और सेवरली मतलब वो सामने वाला बंदा किसी एक के ऊपर भी सूट फाइल कर सकता है आपको दस लाख देना पड़ेगा बाद में आप रिकवर कर लो तीनों से ठीक है तो ऐसा भी हो सकता है तो ये क्या हो गया वर्क हैज बीन कैरीड ऑन बाय ऑल या फिर कैरीड ऑन बाय एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि चार में से कोई एक पार्टनर गया और वो दस लाख का माल क्रेडिट पे उठा के लाया क्या अब ये सिर्फ और सिर्फ ये पार्टनर दस लाख के लिए रिस्पॉन्सिबल है या ये चारों चारो दैट मीन कैरिड ऑन बाय ऑफ देखा बट ही फॉर ऑल ही अथॉरिटी टू बाइंड ऑल अदर थ्री पार्टनर्सिटी ऑफ अ पार्टनर टू बाइंड अदर पार्टनर बाई हिज एक्ट डन इन फर्म नेम आप पर्सनली अपना सामान लेने नहीं गए थे आप अपना सामान लेके फर्म को बाइंड नहीं कर सकते हो फर्म का जो बिजनेस है वो जो आप कर रहे हो उससे आप दूसरे पार्टनर्स को बाइंड कर सकते हो दैट इज म्यूचुअल एजेंसी की क्योंकि आज ये पार्टनर बाइंड गया ये गया इसने बाइंड किया तीन पार्टनर्स को कल को कल ये ये जाएगा ये बाइंड करेगा तीन पार्टनर को मतलब आप कभी प्रिंसिपल कम रोल ले रहे time, तो मतलब हमारे बीच में एक म्यूचुअल एजेंसी की रिलेशनशिप है विच इज टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप ये हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर सिक्स में सेक्शन नंबर क्या कहता है कि कई बार तो देखो चीजें बड़ी सिंपल होती है कई बार चीजें बड़ी सिंपल होती है हमें दिख रहा है यार पार्टनरशिप डीड है आपने बोला है हम प्रॉफिट शेयर करेंगे ये वो तो मतलब पार्टनरशिप है आप दोनों के बीच में पर कई बार ऐसा होता है कि दो लोग काम कर रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा है कि इनके बीच में पार्टनरशिप है या नहीं है अगर पार्टनरशिप है देन दे विल बी गवर्न बाई आई पी बट अगर इनके बीच में पार्टनरशिप नहीं है तो भाई ये गवर्न नहीं होंगे उससे तो हमें एसरटेन करना पड़ता है चेक करना पड़ता है कि क्या पार्टनरशिप है या नहीं है तो पार्टनरशिप है या नहीं है आइडियली नॉट एग्रीमेंट बट आई विल रादर राइट ओवर हियर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एसेंशियल बट नॉट conclusive test of partnership <laughs> मतलब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई दो लोग अगर आप साथ में काम कर रहे हो तो क्या आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हो हमने कहा प्रॉफिट तो हम शेयर कर रहे हैं पर क्या अगर दो लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो वो दोनों पार्टनर्स हो जाएंगे एंड दे विल बी कवर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट आंसर इज नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज एसेंशियल बट इट इज नॉट कंक्लूसिव टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप द कंक्लूसिव टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज म्यूचुअल एजेंसी जिसको हम कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ भी कहते हैं जिसको अभी-अभी मैंने आपको समझाया है मतलब होता क्या है होता क्या है स ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग इज पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज द कार्डिनल रूल ऑफ पार्टनरशिप बट हमारे पास ये देखो कुछ ऐसे केसेस है ये कौन से केसेस है ये वैसे केसेस है जहां पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो हो रहा है पर फिर भी पार्टनरशिप नहीं है जैसे ज्वाइंट ओनर्स ज्वाइंट ओनर क्या होते हैं भाई मैं और मान लीजिए मेरी एक फ्रेंड हम दोनों ने मिलकर क्या किया है एक फ्लैट खरीदा है उस फ्लैट को हमने रेंट पे चढ़ाया हमें रेंटल इनकम हो रही है दैट मीन्स वी हैव सम प्रॉफिट्स और ग्रॉस रिटर्न अराइजिंग फ्रॉम अ प्रॉपर्टी विच इज हेल्ड बाय अस वी आर नॉट पार्टनर्स वी आर को ओनर्स वी आर जॉइंट ओनर्स दर इज अ डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप तो हम को ओनर्स हैं और हम प्रॉफिट्स शेयर कर रहे हैं वी आर नॉट पार्टनर्स वाई बिकॉज म्यूचुअल एजेंसी मिसिंग है आई डोंट हैव द कैपसिटी टू बाइंड मतलब हम कोई फर्म का बिजनेस करके आई डोंट हैव द कैपेसिटी टू बाइंड यू हम कोई बिजनेस ही नहीं कर रहे हैं है ना अब यहीं पे अगर मान लीजिए मैं ये बात करूं कि आ, यही जो फ्लैट है हमारे पास इस फ्लैट को हमने एक कैफे में कन्वर्ट कर दिया है अब क्या हो रहा है कैफे वाला बिजनेस हो गया तो यहाँ पे बिजनेस हम लोग मिल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी आर को ओनर्स ऑल्सो हम लोग बिजनेस साथ में कर रहे हैं सो वी बिकम पार्टनर्स लाइक वाइज लेंडर ऑफ मनी लेंडर ऑफ मनी क्या होता है जैसे हमने बैंक से पैसे लिए ठीक है अब बैंक ने हमको क्यों पैसे दिए पैसे दिए हैं कि हम अपना बिजनेस चला सके ठीक है अब कई बार एक ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का भी केस आता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का केस मतलब क्या है भाई बैंक ने पैसे दिए कि आप बिजनेस चला सको हम मान लीजिए वो पैसे रिटर्न नहीं कर पा रहे हमने बैंक को कहा कि आप प्रॉफिट शेयर कर लो ठीक है मतलब आप हमारे प्रॉफिट्स ले लो तो क्या वो पार्टनर बन गए नहीं वो सिर्फ ट्रांसफ़र ही बने जिस केस में हम आगे पढ़ेंगे भी ठीक है कई बार ऐसा भी होता है कि बेसिक लेंडर ऑफ मनी का मैं आपको कंसेप्ट बताऊं तो ऐसा भी हो सकता है कि हमने किसी से पैसे लिए हैं भाई जो भी हम प्रॉफिट कमा रहे हैं उससे हम बैंक के पैसे वापस कर रहे हैं सो इन सम मैनर वी आर शेयरिंग द प्रॉफिट्स विद द लेंडर तो क्या वो हमारा पार्टनर बन गया नहीं यार ऐसे ही हमने प्रॉफिट्स कमाए हमने चार लोग इम्प्लॉयज की तरह रखे हुए हैं सर्वेंट्स हैं उनको हम अपने प्रॉफिट में से ही रेम्यूनरेशन देते हैं समटाइम्स इट मे सो हैपन कि हम इंसेंटिव बेस्ड रेम्यूनोरेशन देते हैं हमने उनको कहा है जितना प्रॉफिट होगा पांच परसेंट कमीशन तुम्हारा होगा तो हम प्रॉफिट का हिस्सा उनके साथ शेयर कर रहे हैं हाँ या ना क्या वो हमारे पार्टनर हो गए नहीं वो हमारे पार्टनर नहीं हुए ठीक है लाइकवाइज वी हैव एन्यूटी एन्यूटी का मतलब क्या होता है जो एक कंटिन्यूस पेमेंट हम देते हैं टिल लाइफ किसको दे रहे हैं एक पार्टनर था उस पार्टनर की डेथ हो गई हमें लगा कि उसकी वाइफ है और उसको कंटिन्यूअसली अपना घर चलाने के लिए भाई पैसों की जरूरत होगी तो हमने कहा हर महीने हम इतना अमाउंट आपको दे देंगे कहाँ से दे रहे हैं प्रॉफिट में से दे रहे हैं क्या वो विडो इस फर्म की पार्टनर हो गई द आंसर इज नो गुडविल जब हम गुडविल के लिए पैसे देते हैं किसी को ठीक है तो हम कहाँ से देते हैं प्रॉफिट्स में से ही देते हैं तो क्या वो हमारा पार्टनर हो गया द आंसर इज नो ठीक है अच्छा सो इन केस में इन केसेस में इट हैज बीन क्लियरली स्पेसिफाइड कि भाई आप शायद प्रॉफिट शेयर कर रहे होगे स्टिल यू आर नॉट गोइंग टू बी पार्टनर्स दैट लाइक वाइज भाई अगर ए और बी ज्वाइंट ओनर्स हैं ऑफ अ शिप आधे पार्टनर्स द आंसर इज नो राइट ठीक है ओके नौ नौ बिफोर आई मूव फर्दर टू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एक हमारे पास डिफ्रेंशिएशन रहता है जो आपको याद करना चाहिए और जो आपको समझना चाहिए पहला डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी पार्टनरशिप क्या होती है उसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती हाउवेवर कंपनी की होती है पार्टनर के केस में हर पार्टनर दूसरे का एजेंट होता है मेंबर इज़ नॉट द एजेंट ऑफ अदर मेंबर्स प्रॉफिट्स सारे पार्टनर्स में बट जाते हैं इन देअ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बट कंपनी के केस में जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट बटे दे में ऑल्सो बी रिटेन अकॉर्डिंग टू द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी काम होता है लाइबिलिटी पार्टनरशिप के केस में सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है हाउ एवर मेंबर्स के केस में शेयर होल्डर्स कंपनी के केस में इट डिपेंड्स कि आपकी किस तरीके की कंपनी अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है तो आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है उतने अमाउंट तक जितना अमाउंट आपने अपने शेयर्स पे अभी नहीं दिया है सौ रुपए का शेयर है अस्सी दे दिया तो बीस रुपये तक के लिए ही लाइबिलिटी लिमिटेड होगी और गारंटी कंपनी है अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो जितना अमाउंट हमने अंडरटेक किया था दैट ओके आई विल आई अंडरटेक एन अमाउंट ऑफ वन लाख तो वन लाख तक की आपकी लाइबिलिटी होगी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो जो फर्म की प्रॉपर्टी होती है वो ज्वाइंटली सारे पार्टनर्स की प्रॉपर्टी होती है हाउएवर कंपनी की प्रॉपर्टी अलग होती है और कंपनी के मेंबर्स की प्रॉपर्टी अलग होती है आई के नॉट गो एंड क्लेम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की प्रॉपर्टी राइट right? वो मेरी नहीं है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अगर पार्टनरशिप हूँ मैं हूँ मैं आई एम अ पार्टनर आई के नॉट जस्ट ट्रांसफर माई शर्स टू एनी वन एंड मेक समबडी एल्स अ पार्टनर नो ट्रांसफर अलाउड होता है बट वो अलग तरीके से होता है पार्टनर किसी और को बना देना ऐसे ही नहीं कर सकते अनलेस देर इज कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स हाउ एवर जब हम ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की बात करते हैं प्राइवेट कंपनी में वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं बट पब्लिक कंपनी में दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल ठीक है

तो हमारे पास अथॉरिटीज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं दे परमिट द होल प्रोसीजर फाइंडिंग अप इज बिंग कैरीड आउट एंड देन द कंपनी ठीक है नंबर ऑफ में पार्टनरशिप के केस में दो मैक्सिमम पचास कंपनी के केस में प्राइवेट कंपनी में दो मिनिमम मैक्सिमम दो सौ पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम सेवन एंड मैक्सिमम देर इज नो लिमिट पार्टनरशिप कब तक चलेगी भाई पार्टनरशिप डिजोल्व हो जाती है एन हैपनिंग ऑफ अ लॉट ऑफ इवेंट्स हाउएवर कंपनी जो होती है वो चलती जाती है इट इन्जॉयज पोपेचुअल सक्सेशन चलती जाती है चलती जाती है चलती जाती है ठीक है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड क्लब क्लब क्या है भाई क्लब तो रिक्रिएशन हेल्थ इन सब पर्पसेस के लिए बनता है पार्टनरशिप प्रॉफिट मोटिव के लिए बनता है पार्टनरशिप में हमारे पार्टनर्स होते हैं मेंबर्स होते हैं क्लब में ठीक है पार्टनर का इंटरेस्ट होता है इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म क्लब के मेंबर का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा और पार्टनरशिप के केस में जैसे दो मेंबर हट गए तो भाई पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी पर अगर दो मेंबर हट जाए तो मेंबरशिप मतलब क्लब डिसॉल्व नहीं हो जाता क्लब कंटिन्यूस राइट पार्टनरशिप और एच के बीच में क्या डिफरेंस होता है पार्टनरशिप हमारी एग्रीमेंट से बनती है एच स्टेटस से बनता है पार्टनरशिप में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो डिजोल्यूशन हो जाता है पार्टनरशिप का फर्म का डिजोल्यूशन नहीं होता है पार्टनरशिप का डिजोल्यूशन होता है एच में किसी अगर मेंबर की डेथ हो जाती है तो एच एफ इंटैक्ट रहती है बस मेंबर कम हो गए मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप को मैनेज पार्टनर्स करते हैं एच एफ को यूजुअली मैनेज कौन करता है कर्ता मैनेज करता है और वैसे ही करता ही हैज द अथॉरिटी एंड द लाइबिलिटी मतलब कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर्ता के पास अथॉरिटी होती है टू बाइंड अदर मेंबर्स हाउएर पार्टनरशिप के केस में हर पार्टनर बाइंड कर सकते हो और हर पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है ठीक है पार्टनरशिप एक्ट मतलब पार्टनरशिप पार्टनरशिप एक्ट से गवर्न होती है और एच हिंदू लॉ से गवर्न होता है ठीक है अगर पार्टनर निकल रहा है फॉर्म से तो वो फॉर्म को स्यू कर सकता है कि भाई मेरे पैसे दीजिए अकाउंट दीजिए पर एच के केस में भाई मेंबर आप नहीं स्यू कर सकते हो जब तक सेपरेशन नहीं हो जाता एच में माइनर भी मेंबर बन जाता है पार्टनरशिप में माइनर मेंबर नहीं बन सकता है ठीक है एच एफ चलता जाता है जब तक वो डिवाइड नहीं होता है और पार्टनरशिप चलती है जब तक वो डिजॉल्व नहीं होती है एच एफ में कोई अपर कैपिंग लिमिट नहीं है भाई जितने बच्चे पैदा कर सकते हो उतनी एच एफ बना लो कोई दिक्कत नहीं है बट यहाँ पे पार्टनरशिप के केस में देर इज अपर कैपिंग ऑफ फिफ्टी मेंबर्स ठीक है शेयर इन बिजनेस शेयर इन बिजनेस का मतलब क्या है भाई पार्टनरशिप में हर एक का डिफाइंड शेयर होता है कि हाँ मेरा टू इज टू वन है तो इतना मेरा इतना तुम्हारा बट एच में क्या होता है जरूरी नहीं है कि वही चीज रहे क्यों क्योंकि किसी मेंबर की डेथ हो गई कोई मेंबर एड ऑन हो गया भाई पहले आपका टू इज टू वन था एक और आ गया अब आपका वैसे हो गया है ना तो कह नहीं सकते कुछ भी ठीक है पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप <coughs> को ओनर किसी का एजेंट नहीं होता है को ओनरशिप में जरूरी नहीं आप प्रॉफिट्स या लॉसेस शेयर कर रहे हो भाई दो लोग लैंड होल्ड कर रहे हैं को ओनर है आप अपना लैंड बेचते हो आप अपना प्रॉफिट शेयर करते हो मैं अपना लैंड बेचती हूँ मैं अपना प्रॉफिट लेती हूँ तो जरूरी नहीं है कि हम ये शेयर कर रहे हो एंड ये भी जरूरी नहीं है कि हम लोग ट्रांसफर करें अपना शेयर आपसे पूछ के नहीं आई हैव माई ओन राइट इन द प्रॉपर्टी सो आई कैन ट्रांसफर इट ऑन माई ओन ऑल्सो ठीक है कई बार ऐसा भी होता है दैट को ओनरशिप राइजेस फ्रॉम इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस मतलब फादर थे उनकी डेथ हो गई उनके दो बेटे हैं दोनों के बीच में ये लैंड क्या हो गया दे बिकम को ओनर्स तो इनहेरिट किया है उन्होंने वो बने नहीं है पर पार्टनरशिप इनहेरिट नहीं होती है पार्टनरशिप हमेशा एग्रीमेंट से आती है वो एग्रीमेंट हमारा एक्सप्रेस इंप्लाइड कोई भी हो सकता है बट एग्रीमेंट से ही पार्टनरशिप जनरेट होती है एंड पार्टनर पार्टनर इज ऑलवेज द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स ठीक है और यहाँ पे क्या होता है प्रॉफिट्स एंड लॉसेज हैव टू बी शेयर्ड यार एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स ही आपके होते हैं ओके नाउ पार्टनरशिप और एसोसिएशन के बीच में क्या डिफरेंस है एसोसिएशन यूजुअली हमारा लाइक चैरिटेबल सोसाइटी या रिलीजियस एसोसिएशन ये सब होता है ठीक है तो वहाँ पे मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है यहाँ पे मोटिव क्या है टू एक्वायर गेन ठीक है वही हमारा मोटिव है क्लियर ठीक है चलो अब आते हैं हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप तो पार्टनरशिप कितने तरीके की होती है पहली पार्टनरशिप मतलब अपनी मर्जी से है ना इच्छा से है जब तक चले तब तक चले मतलब चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक है ना तो उस तरीके से होता है पार्टनरशिप बच्चों देखो क्रिएट uh, कैसे होती है एग्रीमेंट से क्रिएट होती है, है ना ये हमें समझ में आ चुका है अभी जब हम टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा दैट समटाइम्स पार्टनरशिप गेट्स क्रिएटेड बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टीज आल्सो ठीक है तो वो भी अलाउड है और वो भी हो सकता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है सबसे पहली पार्टनरशिप एट विल वेर नो फिक्स्ड पीरियड हैज़ बीन एग्रीड मतलब हमने ये नहीं कहा है कि हम क्या करेंगे दस साल तक पार्टनरशिप चलाएंगे या दस महीने तक पार्टनरशिप चलाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है साथ साथ ये भी नहीं कहा है कि एक काम करेंगे जब हमारा ये काम हो जाएगा उसके चार महीने बाद हम लोग पार्टनरशिप एंड कर देंगे मतलब कोई प्रोविज़न भी नहीं बनाया एज टू डिटमिनेशन ऑफ पार्टनरशिप की कैसे डिटर्माइन होगी तो वैसी पार्टनरशिप को हम बोलते हैं कि एट विल है मर्जी से है ठीक है अब ऐसी पार्टनरशिप जो मर्जी से होती है कब तक चलती है जब तक पार्टनर्स की मर्जी हो जिस दिन पार्टनर्स की मर्जी नहीं होगी उस दिन वो क्या करेंगे एक नोटिस देंगे इन राइटिंग टू अदर पार्टनर्स और बोलेंगे हम पार्टनरशिप टर्मिनेट करना चाहते हैं एंड देन पार्टनरशिप विल बी डिजोल्व पार्टनरशिप विल बी डिजॉल्व समझ में आई बात दूसरी आती है पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड फिक्स्ड पीरियड का मतलब क्या है टर्म ऑलरेडी फिक्स्ड है आपने बोला है दो साल के लिए पार्टनर बन रहे हैं हम तो जब वो दो साल खत्म हो जाएंगे तो आपकी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी दो साल बाद भी अगर आप पार्टनरशिप अपनी कंटिन्यू करते हो तो वो पार्टनरशिप एट विल बन जाती है मतलब अब हमने कुछ भी टाइम पीरियड नहीं डिसाइड किया है ठीक है ओके मतलब ऐसा नहीं है कि दो साल बाद भी अगर पार्टनरशिप चल रही है तो ये तो अनलॉफुल पार्टनरशिप हो गई ऐसा नहीं होता है वो पार्टनरशिप एटविल बन जाती है तीसरा आता है हमारा पर्टिकुलर पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब होता है कि, कि किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए आप पार्टनर बन रहे हो मे बी आपने बोला कि यार एक काम करेंगे ये क्रॉप्स उगाएंगे और इसको सेल कर देंगे बस यहीं तक की हमारी पार्टनरशिप है ठीक है तो जब तक वो क्रॉप सेल नहीं हो जाएंगे तब तक आपकी पार्टनरशिप होगी ठीक है General partnership is with respect to business in general. मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ यही काम कर रहे हैं ये क्रॉप उगाया और बेचा नहीं भाई हमारा मोटिव है कि हम ये बिजनेस करने वाले हैं अब इस बिजनेस में जो भी टास्क इंसिडेंटल ये वो सब लगेंगे हम सब करते हैं वे बाइंडिंग और नीचे आता तो जनरल पार्टनरशिप है जो हमारी जनरल बिजनेस के लिए होती है तो पार्टनरशिप हमारी या तो पर्टिकुलर होती है तो जनरल होती है अगर जनरल है तो एट विल या फिक्स पीरियड के लिए भी हो सकती है पर्टिकुलर है तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट एट विल और फॉर फिक्सड पीरियड क्योंकि तो वो तो जब तक वो एडवेंचर चलेगा तब तक वो काम चलेगा ठीक है ओके नाउ कम टू पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप डीड क्या होता है भाई? एक written, आ, आ, या ओरल हमारी कुछ भी हो सकती है बट जब हम डीड की बात करते हैं तो डीड इज समथिंग विच इज इन राइटिंग ओनली राइट अब इसमें होता क्या क्या है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी रिटर्न और ओरल बट मैंने आपको ये पहले भी समझाया हुआ है नेम फर्म का नाम पार्टनर्स का नाम क्या नेचर ऑफ़ बिजनेस करेंगे क्या प्लेस होगी क्या ड्यूरेशन होगी कब हमारी पार्टनरशिप कमेंस होगी कितना कितना कैपिटल कौन लेके आएगा प्रॉफिट शेयरिंग हमारी क्या होगी कैसे एडमिशन हो सकता है कैसे रिटायरमेंट हो सकता है राइट right? ड्राॅइंग्स um, uh, कैसे कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन एडवांस सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स कैसे होगा एक्सेट्रा सो देर आर अर लॉट ऑफ अदर थिंग्स सैलरीज रेम्यूनोरेशन इसके भी प्रोविजन हम डालते हैं कैसे एक्सपल किया जाएगा एक्सपल्शन uh, uh, का प्रोविजन एक्सपेल करते हैं ना पार्टनर्स को निकाल देते हैं तो क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूजुअली हमारी पार्टनरशिप डीड में होती हैं द क्वेश्चन मे बी आज व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड और व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन विच इज़ रिक्वायर्ड इन पार्टनरशिप डीड ठीक है asked, तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ लिखते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखते हैं Now we come to types of partners. Types of partners. चलो ये माइनर वाला प्रोविजन थोड़ा बाद में करेंगे सबसे पहला हमारा एक्चुअल या ऑस्टेंसिबल या एक्टिव पार्टनर एक्चुअल ऑस्टेंसिबल या एक्टिव पार्टनर ये पार्टनर कैसे बना एग्रीमेंट के द्वारा बना ये करता क्या है बड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस मतलब वो जब भी काम करता है फॉर्म का ही इज बाइंडिंग अदर पार्टनर्स ठीक है ही इज बाइंडिंग अदर पार्टनर्स कोई भी पार्टनर हम पढ़ते हैं ना तो दीज द पैरामीटर्स जिसपे हम एनालाइज करते हैं क्या इसको प्रॉफिट या लॉस मिलेगा तो आंसर इज येस बिकॉज ही हैज एंटर्ड इन टू एन एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट ओनली राइट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉसेज है ना तो मतलब प्रॉफिट और लॉसेज दोनों शेयर करेगा विल ही बी लाइबल टू थर्ड पार्टीज अफकोर्स ही विल बी लाइबल इनफैक्ट ही विल बी द मोस्ट लाइबल पर्सन सबसे ज्यादा केसेस उसी पे ठुकेंगे क्यों क्योंकि वही तो जा रहा है और जाके क्लाइंट वगैरह से इंटरेक्ट कर रहा है जाके वेंडर किसी से भी इंटरक्ट कर रहा है तो वो ही जानते वो लोग इसी को तो जानते हैं तो क्या इसको रिटायरमेंट पे नोटिस देनी पड़ेगी बिग यस yes. रिटायरमेंट पे नोटिस देने का पर्पस या मतलब क्या होता है देखो जब हम आउटगोइंग पार्टनर की बात करते हैं जैसे चार पार्टनर्स थे वो काम कर रहे थे अब इसको जम नहीं रहा है तो इसने बोला कि मैं छोड़ के जाना चाहता हूं और ये छोड़ के चला गया जितने भी लोग थे वो लोग तो नहीं जानते हैं कि छोड़ के चला गया और उनको इस पर बड़ा विश्वास है उन्होंने इसी के विश्वास पे माल सप्लाई किया और क्रेडिट पे अब ये लोग पैसे नहीं दे पा रहे हैं तो वो सामने वाली पार्टी क्या कहेगी हमने तो तुम्हारे विश्वास पे किया तो तुम पैसे दो तो तुम लायबल हो ये बोलेगा मैं क्यों लायबल हूं मैं तो छोड़ के निकल गया नहीं तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम एक पब्लिक नोटिस दो जब तक तुम पब्लिक नोटिस नहीं देते तब तक तुम लायबल रहोगे ठीक है तो इसको नोटिस देनी पड़ती है ऑन रिटायरमेंट पब्लिक नोटिस हम कैसे देते हैं न्यूज़पेपर में लिख के देते हैं एडव हाँ इंग्लिश न्यूज़ पेपर वर्नाक्युलर न्यूज़ पेपर हमने लिख दिया हो गया ठीक है ना निकलवा देते हैं ना तो वो पब्लिक नोटिस कहलाता है ठीक है तो इसको पब्लिक नोटिस देनी पड़ेगी ओके मैम बहुत छोटी सी बहुत सिंपल सी चीज़ होती है जरा टेक्निकल नहीं होता है क्या ये कंडक्ट ऑफ बिजनेस में पार्ट लेता है द आंसर इज यस यही तो हमने पढ़ा ठीक है ना यही तो हमने पढ़ा उसके बाद आता है हमारा स्लीपिंग पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर नाम से ही समझ में आ रहा है स्लीपिंग का मतलब लिटरली स्लीपिंग नहीं होता है बट स्लीपिंग का क्या हो जाता है यार बड़ा जो आलसी टाइप का होता है ना सो इज नॉट एक्टिव ही इज नॉट एक्टिव नॉट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी बट ही इज नॉट एक्टिव ही इज नॉट एक्टिवली टेकिंग पार्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म वो काम नहीं कर रहा है ठीक है पार्टनर कैसे बनाए एग्रीमेंट से ही बनाए क्यों मैम बनाई क्यों है फिर जब उसको काम धंधा नहीं करना है भाई हो सकता है उसके पास चार पांच काम ऑलरेडी हो उसके पास पैसा अच्छा हो तो आप लोगों ने सोचा भाई तू मेरा पार्टनर बन जा काम वाम हम लोग करेंगे तू पैसा लगा तुझे प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा ठीक है तो मतलब सिचुएशन क्या है कि स्लीपिंग पार्टनर है प्रॉफिट तो उसको मिलेगा और वो लायबल भी होगा थर्ड पार्टीज को तभी तो म्यूचुअल एजेंसी क्रिएट होगी ना म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है एक पार्टनर अपनी एक्ट से लॉफुल बाइंडिंग एक्ट मतलब जो एक्ट ऑफ होती है उससे बाकी पार्टनर्स को बाइंड कर सके उनको भी लायबल ठहरा सके तो भाई ये जो एक्चुअली एक्टिव पार्टनर जाएगा उठ के और दस लाख का माल क्रेडिट पे लेके आएगा तो उसके लिए लाइबल तो ये भी होगा ना हा मैम पर क्या इसको नोटिस देनी होगी रिटायरमेंट पे मैम क्यों नहीं देनी होगी भाई नहीं देनी होगी क्यों नहीं देनी होगी क्योंकि उसको कोई जानता ही नहीं है ना उसके भरोसे पे थोड़ी ना कोई सामान दे दे रहा है समझ रहे आप मेरी बात बिकॉज ही हैज बीन स्लीपिंग ऑल द टाइम जब उसको कोई जानता ही नहीं वो क्या उठ के जाएगा और नोटिस देगा और रिटायरमेंट नहीं देगा जरूरत ही नहीं और कंडक्ट ऑफ बिजनेस पे तो वो हिस्सा ले ही नहीं रहा है ना क्योंकि वो सो रहा है <coughs> अब लिटरली सो रहा है ही स्लीपिंग ये सब एग्जाम में नहीं लिख के आते हैं ठीक है लिख के क्या आता है बिजनेस ऑफ द फर्म ठीक है अगला आता है हमारा नॉमिनल पार्टनर नॉमिनल मतलब क्या होता है nominal कोई भी चीज़ बस namesake, छोटी सी. Nominal सर दे दो, है ना तो नॉमिनल मतलब namesake. Namesake मतलब फर्म in भाई उसको तुम्हारे प्रॉफिट से भी मतलब नहीं है मैम वो तो अपना नाम क्यों देगा कभी कभी नाम की बहुत वैल्यू होती है है ना नाम की बहुत वैल्यू होती है लोग चार फ्रेंड्स हैं जिन्होंने नया नया फर्म शुरू किया अब इनको कोई जानता ही नहीं है तो इनको कोई ना समान देता है ना ये कुछ काम कर पाते हैं अब इन्होंने कहा यार किसी ऐसे बंदे को हम लेके आए कि हम बोले कि हम उसके पार्टनर हैं उसका ये फर्म है तो उसकी वजह से हमें क्या होगा हमें बहुत काम मिलेगा लोगों को हम पे भरोसा होगा ट्रस्ट आएगा तो कोई आया मेरे पास उसने बोला कि मैम एक काम करिए ना आप हमारी पार्टनर बन जाइए मैंने कहा मुझे तो पार्टनर बनना ही नहीं है मैंने कहा नहीं नहीं मैम वी जस्ट वांट यू टू टू लेंड योर नेम अस ठीक है तो क्या मैंने एग्री किया टू शेयर द प्रॉफिट्स लॉसेस नहीं तो मैम मैं क्यों लेंड कर दूंगी भाई उसके मैंने पैसे लिए हैं हाँ तो मुझे पैसे दे सकते हैं बोल सकते हैं कि चलो दस लाख रुपए आप ले लो और आप अपना नाम लेंड कर दो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मैंने नाम लेंड कर दिया चलो चलो मेरे नाम से तुम कमा सकते हो काम तुम्हारा धाम तुम्हारा प्रॉफिट तुम्हारा लॉस तुम्हारा सब तुम्हारा आई आई जस्ट लेंड नेम सो डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन डैम बिजनेस यू आर डूइंग तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस में तो मैं नहीं हिस्सा लूंगी प्रॉफिट और लॉस भी मैं नहीं ले रही हूँ बट यार आई विल बी लाइबल टू थर्ड पार्टीज हाँ क्योंकि सारी थर्ड पार्टीज मेरे ही नाम पे तो भाई आपको काम दे रही हैं उनको तो मेरा ही भरोसा है ना कि हाँ ये है इसके पार्टनर हैं

ठीक है अच्छा इसके बाद इसके बाद आता है एक ब्यूटीफुल सा इनकमिंग पार्टनर्स और आउटगोइंग पार्टनर्स की बातें हम एडमिशन और रिटायरमेंट या डेथ इन सब में भी पढ़ते हैं जैसे अगर हम इनकमिंग पार्टनर की बात करें तो कोई भी नया पार्टनर बन सकता है ओनली विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स मैं यहाँ पे ये पार्टनर बाय होल्डिंग आउट को छोड़ के चलो एडमिशन के टाइम में मैं ये आपको ज्यादा बताऊंगी ठीक है हाँ फिलहाल हम बस इतना ही देख सकते हैं एडमिशन के बारे में अभी हम पढ़ेंगे वी हैव अ वंडरफुल सेक्शन नंबर थर्टी वन दो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम पढ़ते हैं तो उसमें हम एडमिशन रिटायरमेंट डेथ एक्सपल्शन सब पढ़ते हैं ठीक है तो उसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे बट फिलहाल ही इज़ नॉट गोइंग टू बी लैबल बिफोर एडमिशन मतलब जब वो एडमिट होगा तब से वो लैबल होगा आउट गोइंग पार्टनर की अगर हम बात करें तो वो फर्म छोड़ता है कैसे छोड़ सकता है रिटायर हो गया उसकी डेथ हो गई इंसॉलवेंट हो गया या उसको निकाल दिया गया इन वजह से ही मे बिकम एन आउट गोइंग पार्टनर राइट मतलब वो फर्म छोड़ के जा रहा है बट स्टिल जब वो फर्म छोड़ के जाता है तब भी वो लाइबल होता है टू थर्ड पार्टी पब्लिक नोटिस बढ़िया सा कंसेप्ट जो है हमारा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का पार्टनर बाय होल्डिंग आउट संबनी हु इज होल्डिंग हिमसेल्फ टू बी दार्टनर हाउ इज ही होल्डिंग हिमसेल्फ टू बी दार्टनर मे बी एक पैम्फलेट छपवाया गया या एक लेटर हेड छपवाया गया जहाँ पे एक्चुअल पार्टनर्स थे ए बी और सी पर उस पैम्फलेट में लिख दिया गया ए बी सी और एक्स मतलब में एक्सप्रेसली लिखा गया है एंड यू आर एलाउंग दिस टू हैपन आप ये देखते हो एंड यू आर अलाउिंग चलो मेरा नाम लिखा हुआ है कोई बात नहीं अब ये नाम लिखा हुआ है भाई जिस जिसके पास ये लेटर हेड जाएगा वो वो ये प्रिज्यूम कर रहा है कि आप इसके पार्टनर हो और हो सकता है वो आपके विश्वास पे कुछ काम कर रहा हो तो क्या आपकी लायबिलिटी नहीं बन जाएगी बन जाएगी बाद में आप क्या ये बोल सकते हो कि नहीं मैं तो पार्टनर नहीं हूं अरे अगर तुम पार्टनर नहीं थे तो तुमने क्यों अलाउ किया कि तुम्हारा नाम इसमें जाए अगर तुम पार्टनर नहीं थे तो क्यों तुम एक क्लाइंट की मीटिंग में साथ में चले गए और जब बाकी लोग तुमको रेफर कर रहे थे एज पार्टनर्स तुमने डिनाय नहीं किया अगर तुमने अपने कंडक्ट से या फिर एक्सप्रेस या रिटर्न तरीके से यह कन्वे किया है कि तुम पार्टनर हो जबकि तुम पार्टनर नहीं हो यूर नॉट द एक्चुअल पार्टनर बट यू हैव कन्वेड द सेम हाउ यू हैव कन्वेड द सेम मे बी बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटर्न और बाय योर कंडक्ट तो हर वो बंदा और यू हैव ंगलीटेड परमिटेड सेल्फ मतलब कोई और या तो आपने खुद बोला या कोई और बोल रहा है और आप परमिट कर रहे हो कि हाँ मेरे को रिप्रेजेंट करने दो एज अ पार्टनर मैं हूं पार्टनर मतलब आप परमिट कर रहे हो आप चुप हो तो भाई हर वो बंदा जिसने आपके विश्वास पे काम किया डील किया उसको कोई नुकसान होता है <coughs> उसके प्रति कोई लाइबिलिटी जनरेट होती है देन यू आर ऑल्सो लाइबल यू केन नॉट डिनाई द फैक्ट या आप यू विल बी स्टॉप्ड बाय दिस ठीक है मतलब आप बाउंड हो गए बाय योर बिहेवियर बाय योर कंडक्ट बाय वर्ड स्पोकन एन रिटर्न गेट इट सो

अगला आता है हमारा राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स नाउ दर इज ह्यूज लिस्ट आई विल रेदर एक्चुअली टेक यू थ्रू दिस सेक्शन 11 हमें बोलता है कि हमारी जो राइट्स और ड्यूटीज होती हैं वो हम कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट हमारा एक्सप्रेस भी हो सकता है इम्प्लाइड भी हो सकता है और जो भी हमने राइट्स एंड ड्यूटीज़ अपनी आपस में सेट की हैं उसको हम बदल भी सकते हैं बाई कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स सपोजटली मैंने ये बोला है दैट आई हैव अ राइट टू क्लेम रेम्यूनरेशन राइट टू क्लेम रेम्यूनोरेशन ऑफ वॉट

म्यूचुअली डिसाइड किया बाई मे बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बाद में लगता है नहीं यार हम रेम्यूनरेशन तो नहीं देंगे सारा पैसा रेम्यूनरेशन में ही चला जाता है प्रॉफिट नहीं लोगों को मिल पा रहा है तो बाद में हमने इसको बदल दिया कैसे बदला विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स सो दिस इज समथिंग विच कैन बी डन ठीक है ओके नौ सेक्शन नाइन में दी हुई है सबसे पहले जेनरल ड्यूटीज ठीक है तो ये हमने डिसाइड कर लिया कि भाई सेक्शन इलेवन के हिसाब से हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से राइट्स एंड ड्यूटीज़ हो सकती है बट वॉट इफ़ कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट सेंग एनीथिंग ठीक है तो हमारी एक्ट ही आ, सुप्रीम होती है तो एक्ट में क्या दिया हुआ है एक्ट में सेक्शन नाइन में दिया है कुछ जनरल ड्यूटीज़ पहली कि आप कैरी ऑन करेंगे बिजनेस ऑफ फर्म टू ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज कॉमन एडवांटेज ऑफ द फर्म मतलब क्या होता है भाई आप फर्म के हित में काम करेंगे अपने पर्सनल इंटरेस्ट को नहीं देखेंगे जैसे हो सकता है कि आपका कोई नोन हो जो कोई सामान सप्लाई कर रहा हो वो सामान आपको सप्लाई कर रहा है पचास रुपए पर पैकेट में और आपको कोई और वेंडर सेम क्वालिटी का सप्लाई कर रहा है फोर्टी फाइव रुपीज पर पैकेट पे तो आप किसको ऑर्डर देंगे आप फोर्टी फाइव रुपीज पर पैकेट वाले को देंगे ना सेम क्वालिटी अगर है क्यों क्योंकि फर्म के हित में वही चीज है तो आप फर्म के हित में काम करेंगे यू विल बी फेथफुल टू ईच आदर मतलब सारे पार्टनर्स यार एजेंसी का तो काम ही होता है ट्रस्ट का है ना तो व्हेन यू आर एक्टिंग एज एन एजेंट टू समबडी एल्स यू आल्सो हैव टू शो दैट ट्रस्ट यू ऑल्सो हैव टू शो दैट फेथ एंड यू विल रेंडर फुल अकाउंट और ट्रू अकाउंट एंड फुल इन्फॉर्मेशन भाई जितनी भी चीजें है जो फर्म को एफेक्ट कर रही उसका आप पूरा बोलते हैं ना कच्चा चिट्ठा एकदम साफ साफ रखेंगे सारी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगे इनफैक्ट आगे जाके हम ये भी पढ़ते हैं दैट नोटिस टू वन एक्टिव पार्टनर इंप्लाइज नोटिस टू द एंटायर फॉर्म है ना सारे पार्टनर्स के लिए मान ली जाती है तो यार यहाँ पे अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इट इज़ आर ड्यूटी टू रेंडर दिस इन्फॉर्मेशन टू अदर ऑल्सो तो जितनी भी जो भी इंफॉर्मेशन है ट्रू अकाउंट्स ट्रू अकाउंट्स का मतलब ये है कि आप कहीं गए आपको वहाँ पे मान लीजिए उसने बोला कि ये पांच क्वालिटी ऑफ गुड्स जो हैं ये तो हम रिजेक्ट करते हैं तो हम फोर्टी फाइव के ही आपको पैसे देंगे आपने कहा कि नहीं फोर्टी सिक्स क्वालिटी मतलब फोर्टी फोर क्वालिटी के ही हमें पैसे मिले छः क्वालिटी रिजेक्ट मतलब छः गुड्स रिजेक्ट हो गए तो ये सब काम नहीं करना है एकदम साफ साफ लिखा पढ़ी करनी है अगर बीस रुपये खर्च हुआ है तो बीस रुपये ही लिखना है ठीक है एंड यू विल ऑल्सो इनकॉर्पोरेट फुल इंफॉर्मेशन और ड्यूटी टू इंडेमिफाई फॉर लॉस लॉसड बाय फ्रॉड दूसरा आता है भाई की अगर हम बात करें। <coughs> तो जब हम लाइबिलिटी पढ़ते हैं लाइबिलिटी किसकी लाइबिलिटी पार्टनर की और लाइबिलिटी फर्म की चार पार्टनर्स हैं तो चार इंडिविजुअल पार्टनर्स हैं और कलेक्टिवली दिस इज अ फॉर्म राइट इसकी अलग कोई सेपरेट पहचान नहीं बट कलेक्टिवली दिस इज अ फॉर्म फॉर्म का मतलब है चारों पार्टनर्स मिलके ठीक है अब कोई एक पार्टनर जा रहा है और बाहर कुछ भी काम करके आ रहा है तो वो बाकी तीन को भी तो लायबल ठहरा रहा है अपने साथ साथ तो मान लेते हैं कि वो गया और उसने कुछ फ्रॉड करके आया तो क्या बाकी लोग लायबल नहीं हुए भाई अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ तो बिजनेस में हुआ हुआ है 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 सब चीज़ तो तो फर्म को भी ठहराया तो जा सकता है ना तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या ये फर्म की गलती है या बाकी पार्टनर्स की गलती है? भाई तुमने धांधली कर दी तुमने फ्रॉड कर दिया नहीं तो अगर फर्म को तुम्हारे फ्रॉड की वजह से कोई नुकसान हुआ है तो तुम उसकी भरपाई करोगे इंडेमनिफाई करने का मतलब क्या होता है मेकिंग गुड द लॉस ड्यूटी ऑफ द पार्टनर टू इंडेमिफाइर जो हम पढ़ते हैंग्लेक्ट तो ये भी एक ड्यूटी हो गई ठीक है तो ये सेक्शन टेन में हम पढ़ते हैं सेक्शन इलेवन में पढ़ते हैं नॉट टू कैरी ऑन बिजनेस अदर दैन फर्म्स बिजनेस इफ द कॉन्ट्रेक्ट सो प्रोवाइड्स देखो <coughs> इसको हम रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं बोलेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम पढ़ते हैं एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आर एक्सप्रेसली वॉइड मतलब हम किसी को यार काम करने से नहीं रोक सकते हम ये नहीं बोल सकते कि तुम मेरे साथ ऐसा एग्रीमेंट करो कि तुम काम नहीं करोगे तो ऐसे एग्रीमेंट्स अगर हम करते हैं तो उनको वॉइड माना चाहते हैं स्टिल यू कैन गो एड एंड डू बिजनेस पर कई बार पार्टनरशिप में क्या होता है यार पार्टनरशिप में मान लो एक लीगल फॉर्म है और उसमें चार पार्टनर्स है उन्हीं की ड्यूटी बनती है कि वो क्लाइंट्स को लेके आए है ना काम करे अब आप जा रहे हो आप क्लाइंट्स को अपने पर्सनली उसके में झांसे में फंसा लेते हो और वहां से आप अपना काम करना शुरू कर देते हो तो भाई ये तो गलत बात हो जाएगी ना तो

उसके बाद चलो एक एक करके पढ़ते हैं ना मैं यहाँ पे आ जाती हूं ठीक है पहले हम ड्यूटीज पढ़ रहे हैं तो पहले मैं ड्यूटीज ही बोलूंगी कैरी ऑन बिजनेस ऑफ फर्म ठीक है बी फेथफुल टू ईच अदर रेंडर ट्रू अकाउंट्स एंडफाई द फर्म फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड तो ये इन जनरल हमने ड्यूटीज पढ़ी हुई हैं अब हम चलते हैं अब हम चलते हैं राइट्स की तरफ राइट्स राइट्स ऑफ अ पार्टनर बाकी और भी चीजें हैं नॉट टू असाइन राइट्स, नो कम्पीटिंग बिजनेस कंट्रीब्यूट फॉर लॉसिस नो पर्सनल प्रॉफिट ये सब आगे जाके अलग अलग सेक्शन में हम पढ़ते हैं तो मैंने एक ये लिस्ट आपकी बनवाई थी और आपको लिखवाई भी हुई है ठीक है अब आते हैं हम राइट्स ऑफ पार्टनर पे पहला राइट right, भाई अगर आपने पैसे लगाए हैं इफ यू आर एन एक्टिव पार्टनर इट इज योर राइट की आप कंडक्ट और मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ फॉर्म में हिस्सा ले सकते हैं जैसे अगर एक कंपनी होती है बच्चों तो कंपनी के केस में क्या होता है मैं मेंबर बनी हूँ मैंने पैसा लगाया मैंने इन्वेस्टमेंट किया स्टिल मैं जाके कंपनी के डे टू डे मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती हूँ आई कैन नॉट मैनेज द बिजनेस ऑफ द कंपनी ऑल आई कैन डू इज इलेक्ट अ डायरेक्टर टू मैनेज द बिजनेस ऑफ द कंपनी राइट वो भी कलेक्टिवली हम ये काम करते हैं बट जब हम ये पार्टनरशिप की बात करते हैं तो मेरे पास ये हक है कि मैं बिजनेस में हिस्सा ले सकती हूँ दूसरा आई हैव द राइट टू बी हर्ड एंड कंसल्टेड देखो हर कोई डिसीजन जो पार्टनरशिप में लिया जाता है वो यूजुअली मेजॉरिटी के बेसिस पे होता है चार पार्टनर्स हैं तीन को लगता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहिए एक को लगता है कि नहीं करना चाहिए तो हम तीन की बात मानेंगे और वो काम कर लेंगे पर कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जैसे आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन करना है फर्म का किसी पार्टनर को एडमिट करना है आपको तो ऐसी सिचुएशन सिचुएशन में में ऐसी में या फिर नेचर ऑफ चेंज ऑफ बिजनेस ठीक है ऐसी सिचुएशन में सारे पार्टनर्स की कंसेंट जरूरी है सारे पार्टनर्स की सहमति जरूरी है ठीक है ओके नाउ नेक्स्ट इज राइट टू हैव एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस हमारे पास होता है मतलब हम कभी भी देख सकते हैं कि भाई बुक्स में आप क्या एंट्री कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो इस वाले पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में तो इतना प्रॉफिट हुआ था ये अकाउंट फॉर हुआ नहीं हुआ क्या किया क्या नहीं किया कितने खर्चे आ रहे हैं सब चीजें हमारा देखने का हक हाँ है क्योंकि उसी से डिटरमाइन होगा कि हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब हमें कितना मिल रहा है ये हक हमारा तो होता ही होता है साथ साथ अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास भी हक होता है कि आप एक्सेस कर सकते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक है देन राइट टू क्लेम रेम्यूनरेशन भाई ये राइट right भी है और ड्यूटी भी है राइट तब है जब आपके एग्रीमेंट में या आपके कस्टम में ऐसा लिखा है कि भाई रेम्यूनरेशन तो मिलेगा तो आप क्लेम करोगे और आपको रेम्यूनोरेशन मिलेगा बट अगर एग्रीमेंट ऐसा नहीं है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप क्लेम नहीं करेंगे रेम्यूनरेशन ठीक है प्रॉफिट शेयरिंग आपके पास हक है यार उसी के लिए तो काम कर रहे हैं यू हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट सो यू हैव द राइट टू रिसीव द प्रोफिट्स अब प्रॉफिट कितना हम रिसीव करेंगे जो एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके हिसाब से प्रॉफिट मिल जाएगा मान लेते हैं कोई एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा ही नहीं है <coughs> तो आई हैव द राइट टू आस्क फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट ठीक है आई हैव द राइट टू आस्क फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है भाई हमने पैसे लेंड किए हैं मान लेते हैं चार पार्टनर्स हैं चारों को बोला गया एक एक लाख रुपए तुम कैपिटल कंट्रीब्यूशन करोगे एक एक लाख रुपए जो इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया उसको हमने कहा कैपिटल है इस कैपिटल पे क्या इनको इंटरेस्ट दिया जाएगा यूजल सिचुएशन नॉर्मल सिचुएशन में नहीं दिया जाता है क्यों नहीं दिया जाता है भाई तुमने पैसे लगाए उस पैसे से तुम बिजनेस कर रहे हो बिजनेस जो कमाएगा वो प्रॉफिट तो तुमको मिल ही रहा है तुमने कोई लोन थोड़ी ना दे दिया है कि उस पर तुमको इंटरेस्ट मिलेगा हाँ इस एक लाख के ऊपर ओवर एंड अब इसने एक लाख रुपए और दिए हैं फर्म को एज एडवांस के पास पैसों की कमी थी उनको कोई चीज़ में चाहिए तो लोन के रूप में या एडवांसेस के रूप में दिए हैं ओवर एंड अब योर कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो उसपे आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए है ना बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी वो मिल सकता है जो एग्रीमेंट में या जो कस्टम कहता हो इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस भी वो मिल सकता है जो एग्रीमेंट में या जो कस्टम कहता हो पर मान लीजिए कोई एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है कस्टम भी कुछ नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में देयर वोंट बी एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सो यू विल हैव द राइट टू क्लेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली इफ द एग्रीमेंट प्रोवाइड्स और देर इज अ कस्टम और एनी अदर स्टैट्यूट मतलब किसी भी और एक्ट में किसी भी और लॉ में ये लिखा है कि ये देना चाहिए दूसरी बात इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस जरूर आपको मिलेगा जो भी रेट आपने एग्री किया अगर कोई रेट एग्री नहीं किया है तो सिक्स परसेंट पर आनम पे मिलेगा ठीक है नाउ मान लीजिए आप कोई भी काम करने जाते हैं आप कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने गए वहां पे आपने क्या किया एडवांस दिया किसी को बीस हजार रुपये अब आपने तो सारी जांच पड़ताल करके ही दिया तो उसके बाद वो बीस हज़ार रुपये लेकर भाग गया तो या क्या बीस हज़ार रुपये आपका नुकसान हुआ या फर्म का फर्म का हुआ मतलब यू हैव द राइट टू बी इंडेम्निफाइड अब आपने अपनी पॉकेट से उसको बीस हज़ार रुपये एडवांस दे दिए तो क्या आपको मिलेंगे नहीं नहीं बिल्कुल आपकी ये भरपाई की जाएगी क्यों क्योंकि ऑर्डिनरी कंडक्ट ऑफ फर्म्स बिजनेस में आपने ये पेमेंट की थी या ये लाइबिलिटी आपसे इनकर हो गई सो यू विल बी इंडेम्निफाइड सो यू ऑल्सो हैव द राइट ठीक है सो दिस इज इंडेमनिफिकेशन बाय फर्म ऊपर जो हमने पढ़ा था ड्यूटी इंडेम्निफिकेशन बाय पार्टनर था पार्टनर भरपाई कर रहा था फर्म के नुकसान की यहां पे फर्म भरपाई कर रहा है पार्टनर के नुकसान की समझ में आई बात ठीक है ओके तो ये इन जनरल हमारी राइट्स uh, थी अधिकार थे इसके अलावा आपके पास अधिकार है कि आप जब चाहें तब रिटायर हो सकते हैं आपको एक्सपेल नहीं किया जाएगा अदरवाइज रिटर्न दैन अलाउड अंडर द एक्ट आप कंपीटिंग बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हैं एज गिवन डिसोल्यूशन हो सकता है विद कंसेंट ऑफ ऑल नाउ बिफोर वी गो टू चेंज इन फर्म या रिकॉन्स्टिट्यूशन पे हम जाएं कुछ चीजें और हैं राइट्स एंड ड्यूटीज आफ्टर चेंज इन फर्म देखो जब फर्म में कोई भी चेंज आता है कॉन्स्टिट्यूशन uh, में चेंज आ रहा है तो राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगी जो पहले थी वही अभी भी होंगी कोई एक पार्टनर चला गया भाई जो बचे वो सेम राइट्स एंड ड्यूटीज कैरी ऑन करेंगे अनलेस कुछ और एग्री किया है आपने आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ द फर्म का मतलब क्या है भाई फर्म हमारा चल रहा था उसका टर्म खत्म हो गया तो अब पार्टनरशिप एट विल चल रही है तो उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे वही सेम टर्म्स एंड कंडीशन होंगे जो हमारे पहले थे ठीक है आप कोई एक एडवेंचर कैरी आउट कर रहे थे उस एडवेंचर को वो खत्म हो गया अब आप क्या कर रहे हो दूसरा एडवेंचर कैरी आउट कर रहे हो मतलब आप फिर भी काम करते चले जा रहे हो तो जो ओरिजिनल एडवेंचर के केस में आपके राइट्स एंड लाइबिलिटीज थे वही आपके आगे भी कंटिन्यू हो जाएंगे राइट right? ना पार्टनरशिप प्रॉपर्टी भाई पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या होता है इसमें तीन चीज़ें समझने वाली ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी किसको कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म क्या होता है और प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर्स क्या होता है तो प्रॉपर्टी हम किसको कहते हैं भाई जो हमारे हम जिन चीज़ों को ओन करते हैं मतलब हमारे जो एसेट्स हो गए राइट right? राइट्स हो गए इंटरेस्ट हो गए राइट right? ये सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती है प्रॉपर्टी अब सवाल ये उठता है कि प्रॉपर्टी ऑफ फ़र्म क्या होता है मैम प्रॉपर्टी ऑफ फर्म इज नथिंग बट इज़ दर इज द जॉइंट स्टेट है ना पार्टनर्स जो कलेक्टिवली होल्ड करते हैं तो यहाँ पे आपको समझाया गया है कि कुछ चीज़ों को हम मान लेंगे इन द एबसेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट मतलब अगर एग्रीमेंट है तब तो ये फर्म की प्रॉपर्टी है ये आपकी है ये ऐसा है वैसा है कुछ भी हो सकता है देखो भाई चार पार्टनर्स हैं और चार मिलके क्या कर रहे हैं काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि भाई चारों कुछ कुछ लेके आए होंगे कई बार ऐसा होता है भाई अपना खुद का ही तो बिजनेस है हम अपना लैपटॉप उठा के ले गए और वहाँ पर काम कर रहे हैं उससे काम कर रहे हैं तो क्या वो फर्म की प्रॉपर्टी हो गई द आंसर इज नो जस्ट बिकॉज माई प्रॉपर्टी इज बिंग यूज इन द फर्म मेक इट फर्म्स प्रॉपर्टी फर्म का प्रॉपर्टी का मतलब क्या उस पे का joint है उसपे सबका ज्वाइंट हक है ज्वाइंट स्टेट है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है जॉइंट स्टॉक है कॉमन स्टॉक right है ठीक है जिसमें सारे पार्टनर्स का कलेक्टिवली राइट है कलेक्टिवली आर एंटाइटल टू इट्स शेयर ऑफ प्रॉपर्टी बट पर्सनल प्रॉपर्टी मे बी यूज फॉर बिजनेस पर्पजेस मेरी कार है भाई हर दिन वहाँ से लोग जा रहे हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं बट देखो जब हम कैपिटल कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं ना तो उसमें हम समझते हैं कि यार कैपिटल अगर मुझे बोला गया है कि दो लाख रुपए फर्म में लगाओ तो हो सकता है मैं दो लाख रुपये ये कैश में लेके आऊँ या ऐसा भी हो सकता है कि ये दो लाख रुपये की मैंने एक कार दे दी दैट बिकम्स द फर्म्स प्रॉपर्टी दैट मीन्स कोई भी प्रॉपर्टी राइट right, या इंटरेस्ट जो पार्टनर्स लेके आए हैं एज दे आर कैपिटल कंट्रीब्यूशन राइट और एज देअर जस्ट कंट्रीब्यूशन इन टू द कॉमन स्टॉक कॉमन स्टॉक वो क्या कहलाती है फर्म की प्रॉपर्टी कहलाएगी कोई भी प्रॉपर्टी जो इवेंचुअली पार्टनरशिप बिजनेस ने फर्म ने खरीदी है राइट right? वो भी फर्म की प्रॉपर्टी कहलाएगी एंड ऑल्सो द गुडविल ऑफ़ बिजनेस सो तीन चीज़ें यहाँ पे हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है प्रॉपर्टी ब्रॉड बाय पार्टनर्स इन टू कॉमन स्टॉक एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन इसके आगे लिख लो ताकि आपके दिमाग पे और अच्छे से चीजें रहें प्रॉपर्टी परचेज बाय और द फर्म इवेंचुअली इन द कोर्स ऑफ बिजनेस राइट एंड गुडविल ऑफ द बिजनेस इन तीनों को हम क्या मानते हैं फर्म की प्रॉपर्टी मानते हैं एंड ऑफकोर्स इट हैज टू बी यूज एक्सक्लूसिवली फॉर द फर्म ये नहीं होता है कि पार्टनर्स अपने पर्पज़ uh, के लिए उसको यूज करेंगे नहीं ठीक है हाँ अगर आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है एग्रीमेंट है कि चलो इस के लिए भी यूज कर सकते हैं तो अलग बात है पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म ओनली ठीक है और प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर बिजनेस डज नॉट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ठीक है ओके okay. नाउ देर मे बी सिचुएशंस जब कुछ पर्सनल प्रॉफिट पार्टनर्स अर्न करते हैं जो हमारा सेक्शन नंबर सिक्सटीन में दिया हुआ है तो भाई अगर कोई भी पार्टनर है जिसको कोई प्रॉफिट डराइव हो रहा है तो वो क्या करेगा यार वो फर्म को पे करेगा क्योंकि वो फर्म के बिहाफ पे बिजनेस कर रहा है अब आप गए थे और सामान लेने गए ठीक है आपका बजट था या आपने जो प्राइस समझा था पूछा था वो कितना प्राइस था कि आपको सामान मिलेगा सौ रुपये पर केजी अब आप वहाँ पे पहुँचे और आपको वहाँ पता चला कि अरे आज तो फर्स्ट हंड्रेड कस्टमर्स के लिए हमने कुछ डिस्काउंट निकाला है और एट्टी रुपीज़ पर केजी पड़ेगा मतलब ट्वेंटी का आपको कैशबैक देंगे तो आपको तुरंत हाथ में कैश मिलेगा वो प्रॉफिट क्या आपका हुआ नहीं तो ये पार्टनर आप मतलब प्रॉफिट आप डिराइव हो फ्रॉम द ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म बट इट इज नॉट योर ओन प्रॉफिट सो यू हैव टू अकाउंट फॉर दैट प्रॉफिट मतलब आपको इसकी एंट्री करनी चाहिए प्रॉपरली सबको बताना चाहिए और उसको फर्म को दे देना चाहिए ठीक है कभी कभी ऐसा होता है कि यू आर नॉट अलाउड ट इन जेनरल अलाउड टू कैरी ऑन अम्पीटिंग बिजनेस मतलब आप ये नहीं कर सकते कि यहां पर भी मैं वही कर रहा हूँ और मैं बाहर भी अपना पर्सनल लेवल पर भी वही काम करता हूँ तो अगर आप पर्सनल लेवल पर भी वही काम कर रहे हो तो आपका जितना भी प्रॉफिट आपको फॉर्म को देना चाहिए अनलेस यू हैव एन एग्रीमेंट टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस एंड कीप यर ओन प्रॉफिट्स ठीक है ओके फिर आता है हमारा um, सेक्शन सेवनटीन तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है चेंज इन ड्यूटीज राइट अब इसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर एटीन बहुत ही छोटी सी बात कहता है एजेंट से रिलेटेड मतलब एक पार्टनर क्या होता है एजेंट होता है किसका फर्म का भी और बाकी पार्टनर्स का भी मतलब पार्टनर इज बहुत प्रिंसिपल लेस दी एजेंट वो दोनों कैरेक्टर uh, को एम्ब्रेस करता है ना ठीक है हाँ वैसे अगर इन जनरल आप पूछो कि एजेंट और पार्टनर में डिफरेंस क्या होता है भाई मैं मतलब हम तो एजेंट बन गए हमने तो सोचा था हम ओनर हैं और आपने हमको तो एजेंट बना के छोड़ दिया तो भाई तुम एजेंट नहीं हो एजेंट और पार्टनर में डिफरेंस होता है अनडाउटेडली होता है एजेंट का कभी भी हक नहीं होता है इन द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस यहाँ पे पार्टनर्स का पूरा का पूरा इंटरेस्ट है पूरा का पूरा हक है राइट तो सबसे बड़ा डिस्टिंक्शन तो यही है इन दोनों में राइट दैट यू हैव इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी इन इंटायर प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस ठीक है चलो फिर आते हैं हम सेक्शन नंबर नाइनटीन पे सी एक चीज मैं बोल रही हूँ आप लोगों को वेर एवर आर यू आर डूइंग द रिविजन फ्रॉम द इट इज इंपॉर्टेंट कि ऐसी चीजें या जैसे मैंने अभी आपको ऊपर लिखाया था कि यहाँ पे कैपिटल लिख लो राइट right? तो जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, द चार्ज आप इन चीजों को ऐड करते रहो, तो आप जब एग्जाम के एक दिन पहले रिवीजन करते हो ना, चलो. नंबर फीलटीन हमारा इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर क्या होता है इंप्लाइड अथॉरिटी बोलते किसको है भाई पार्टनर कोई काम जाके कर रहा है इट इज गोइंग टू बाइंड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर टू बाइंड द फर्म इज इंप्लाइड अथॉरिटी ठीक है इज इंप्लाइड अथॉरिटी मैम ये एक्सप्रेस अथॉरिटी भी तो हो सकती है बिल्कुल हो सकती है मैं इनफैक्ट आपको दिखाती हूं अथॉरिटी हम किसको बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ पार्टनर टू बाइंड द फर्म बाय इट्स सैक्स इट मे बी एक्सप्रेस अथॉरिटी इट में भी इम्प्लाइड अथॉरिटी एक्सप्रेस अथॉरिटी का मतलब क्या होता है विच इज़ कन्फर्ड अपॉन बाय वे ऑफ ओरल और रिटर्न एग्रीमेंट मतलब हमने एग्री किया है कि एक काम करो मिस्टर एक्स विल बी रिस्पॉन्सिबल और ही विल भी एंटाइटल टू गेट परचेजेज या आप एक काम करिएगा खरीद के लाएगा तो अब आपने क्या किया एक्सप्रेसली ये अथॉरिटी दिया है अदरवाइज क्या होता है बहुत सारी हमारे पास इंप्लाइड अथॉरिटी होती है इंप्लाइड अथॉरिटी किसको हम कहेंगे इंप्लाइड अथॉरिटी हम उसको कहेंगे जो हमने नॉर्मल बिजनेस के लिए इन द यूजुअल वे ऑफ कैरिंग बिजनेस इन फर्म्स नेम किया हो तो ये तीन चीजें होती है नॉर्मल बिजनेस मतलब जो आपका बिजनेस है अगर आप स्टेशनरी का खरीद परचेस कर रहे हो तो आपने उसी से जुड़ा कुछ काम किया यूजुअल वे में किया है मतलब जैसे हम लोग करते आ रहे हैं उसी ढंग से आपने भी कुछ काम किया और फर्म के नाम पे किया है तो अगर आप ये चीज करते हो मतलब एक्ट ऑफ अ पार्टनर विच इज डन इन द यूजल वे फॉर द नॉर्मल बिजनेस इन द फर्म्स नेम ठीक है या बिजनेस ऑफ द काइंड इज कैरीड ऑन बाय द फर्म इन द फर्म्स नेम देन दैट देस द फर्म एंड दैट इज नोन एज एम्प्लाइड अथॉरिटी ठीक है अब कुछ एक्ट्स को हम कंसिडर करते हैं विद इन एम्प्लायड अथॉरिटी और कुछ एक्ट्स में हम बोलते हैं कि भाई इनको माना जाएगा दैट दे, दे आर आउटसाइड द अथॉरिटी सेक्शन 19 में हमें वही बातें मिलती हैं विच आर आउटसाइड द द्लॉयड अथॉरिटी मतलब भाई आप ठीक है पार्टनर हो यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में ये चीजें होती होंगी फिर भी आपके पास कभी ये अथॉरिटी नहीं होगी कि आप एक बैंक अकाउंट खोल लो फर्म के नाम पे ठीक है आप एक बैंक अकाउंट खोल लो फर्म के नाम पे हैव आई रिटर्न दिस ओके इफ आई हैव नॉट रिटर्न इट ओवर हियर लेट्स गो टू आवर चार्ट्स यू कैनॉट सबमिट अ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन मैंने आपको बताया था एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का तरीका होता है जहां पे एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होता है जिसको हम क्या करते हैं जैसे हमें अगर कोई झगड़ा होगा तो हम कोर्ट के पास जाके केस फाइल कर सकते हैं वैसे ही हमने प्री हैंड डिसाइड कर लिया कि अगर हमारे बीच में कोई भी झगड़ा होगा तो वी विल गो टू एन आर्बिट्रेटर मतलब हम कोर्ट के पास नहीं जाएंगे एक थर्ड पार्टी को डिसाइड करेंगे और वो जो भी फैसला सुनाएगा उसको हम लोग मान लेंगे तो ये यूजअली एग्रीमेंट्स में प्री हैंड क्लॉज डला होता है अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपके पास कोई हक नहीं है कि आप आर्बिट्रेशन में कोई भी पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड बिजनेस से रिलेटेड डिस्प्यूट को सबमिट करते ठीक है आप बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते अपने नाम पर तो खोल ही सकते ना और उसमें क्या दिक्कत है अपना हक तो आपका पूरा है ही है बिजनेस के फर्म के नाम पर नहीं खोल सकते ठीक है यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ और रिलिंक्वेशनी क्लेम भाई कोई केस चल रहा है या कुछ भी है आपने बोला कि अच्छा तुमसे मुझे पचास हज़ार रुपये लेना चलो कोई बात नहीं मैंने माफ़ कर दिया अरे आपके पास ये हक ही नहीं है कि आप माफ़ करो लाइकवाइज आपके पास हक नहीं है कि आप कोई सूट को विदड्रॉ करो किसी कोई अगर पार्टनर्स ने मिलकर केस फाइल किया है तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते आपके पास ये इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है एंड यू कैन नॉट आल्सो एडमिट एनी लाइबिलिटी इन सूट मतलब केस चल रहा है चलो ठीक है हम इतना दे देंगे नहीं आपके पास ये हक दिस इज नॉट इंप्लाइड अथॉरिटी मार्क मैं वर्ड्स आप कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ऐसा नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा मान लीजिए वी वॉन्ट टू विदड्रॉ सूट तो क्या पार्टनर्स कर नहीं सकते कर सकते हैं बट जब उनके पास एक्सप्रेस अथॉरिटी होगी तो इसको हम इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं मानेंगे कि एक पार्टनर गया और उसने जाके सूट को विदड्रॉ कर लिया और हम

एक बात बताइए आपने ये वाले केसेस तो हमें बता दिए कि नो इम्प्लाइड अथॉरिटी पर कुछ और भी केसेस हैं जहाँ पे इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है तो हाँ सेक्शन 22 में हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें दिखता है कि कोई भी एक्ट अगर आप करोगे ऑन बिहाफ ऑफ फर्म सेम तो वो फर्म को बाइंड करेगा और अगर आप एक कमर्शियल बिजनेस कर रहे हो कमर्शियल बिजनेस मतलब हम कुछ खरीद बिक्री कर रहे हैं मतलब नॉर्मल बिजनेस है हमारा तो उस सिचुएशन में आपके पास इंप्लाइड अथॉरिटी होती है कि आप गुड्स खरीद सकते हो मैम गुड्स तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे ना है ना यू मे ऑल्सो प्लेज और सेल पार्टनरशिप प्रॉपर्टी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी इंक्लूड स्टॉक पार्टनरशिप प्रॉपर्टी इंक्लूड्स द मशीनरी ऑल्सो मतलब मशीनरी को हम प्लेज करके लोन ले सकते हैं हाँ ले सकते हो ले सकते हो प्लेज कर सकते हो बट देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हमने स्ट्रिक्टली पढ़ लिया कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं ठीक है वी cannot नॉट ट्रांसफर वी acquire नॉट एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी राइट यहाँ पे लिखा है कि यू मे प्लेज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी यू मे ऑल्सो सेल द गुड्स और पार्टनरशिप प्रॉपर्टी दैट इज फाइन राइट बट एक और चीज लिखी है ही मे बोरो मनी मतलब हम पैसे बोरो कर सकते हैं कि हाँ यार कोई दिक्कत नहीं है यू कैन ऑल्सो एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट डेट्स एंड पेड डेट्स ऑन अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप आप किसी से उधारा लेके आ गए आपने पचास हजार का सामान खरीद लिया हम आप आपको पचास हजार क्रेडिट को पे करने तो क्या आप फर्म में से पे नहीं कर सकते हो बिल्कुल करोगे क्या आप क्रेडिट पे सामान नहीं खरीद सकते हो खरीद सकते हो क्या आप किसी से पैसे नहीं बोरो कर सकते कर सकते हो ठीक है fact आप negotiable इंस्ट्रूमेंट मतलब आप चेक बना के किसी को दे सकते हो आप प्रोमिसरी नोट बना के किसी को दे सकते हो आप बिल ऑफ एक्सचेंज बना के किसी को दे सकते हो ड्रॉ कर सकते हो ठीक है आपके पास अगर कोई प्रोमिसरी नोट है आप उसको किसी और को एंडोर्स कर सकते हो ट्रांसफर बट अदरवाइज चाहिए हमें ठीक है तो इन ऑर्डर टू बाइंड द फर्म आपको एक्ट इस तरीके से करनी होगी कि या तो आप फर्म के नाम पे करें या फिर आपका इंटेंशन क्लियर हो कि हम फर्म को ही बाइंड करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में फॉर्म बाइंड होता है एक इम्प्लाइड अथॉरिटी इस केस में अरे रे, रे, ये क्या हो गया? एक इम्प्लाइड अथॉरिटी इस केस में प्रिवेल करती है बट अफकोर्स देर इज दिस इज सब्जेक्ट टू एक्सप्रेस एग्रीमेंट्स बिटवीन द पार्टनरशिप मतलब जब हम पार्टनरशिप डीड में एंटर करते हैं ना तो हम क्लियरली ये बात लिख देते हैं कि यार बोरो कर सकते हो अप टू एन अमाउंट ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड तो अब हमें पता है कि सबकी अथॉरिटी क्या है रिस्ट्रिक्टेड है मतलब मैम ये किया जा सकता है येस सेक्शन नंबर ट्वेंटी में हम पढ़ते हैं कि हम अपने इम्प्लायड अथॉरिटी को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ठीक है रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब हमने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया हमने कहा कि ऊपर तुमको लिखा है कि तुम पैसे बोरो कर सकते हो पर इसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि तुम बीस हज़ार तक ही बोरो कर सकते हो तो क्या ये हो सकता है बिल्कुल हो सकता है सो दिस इज द रिस्ट्रिक्शन विच हैज़ बीन इम्पोज ऑन द इम्प्लाइड अथॉरिटी बाय अ पार्टनर ठीक है पर 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 पर, पर प्रॉब्लम क्या होती है थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम क्या होती है थर्ड पार्टी की आप फर्म मतलब आप सारे पार्टनर्स कलेक्टिवली फर्म और मैं एक पार्टनर मेरी इंप्लाइड अथॉरिटी थी कि मैं पैसे बोरो कर सकती हूं आपने क्या किया मेरी अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया और बोल दिया कि तुम बीस हजार ही बोरो कर सकते हो अब मैं गई और मैंने किसी से पचास हजार बोरो कर लिए ठीक है अब क्या फर्म लाइबल होगा फॉर दैट पचास हजार या फर्म लाइबल होगा ओनली फॉर दैट बीस हजार सवाल ये उठता है राइट right? तो यहां पे देखो रिस्ट्रिक्शंस कब इफेक्टिव होते हैं इफ द थर्ड पार्टी नोज अबाउट द रिस्ट्रिक्शन एंड डज नॉट नो दैट ही इज डीलिंग विद अ पार्टनर तो यहां पे तो ऐसा नहीं है ना थर्ड पार्टी को तो पता ही नहीं था हमारे रिस्ट्रिक्शन के बारे में और उसको पता है कि ये इनका पार्टनर ही है इनका पार्टनर है और इसका ऐसे कोई अथॉरिटी रिस्ट्रिक्टेड हमें ये नहीं पता है तो द फर्म इज गोइंग टू बी लाइबल फॉर फुल फिफ्टी थाउजेंड बट अगर थर्ड पार्टी को रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता है या फिर ऐसा है कि थर्ड पार्टी डज नॉट नो दैट ही इज डीलिंग विदर्म पार्टनर इन द फर्म तो ऐसी सिचुएशन में इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा थर्ड पार्टी को ठीक है ओके नाउ सेक्शन नंबर ट्वेंटी वन हमको बोलता है कि पार्टनर के पास अथॉरिटी होती है इन इमरजेंसी इन इमरजेंसी वो हर काम कर सकता है जो एक नॉर्मली नॉर्मल प्रूडेंस ऑर्डिनरी प्रूडेंस का इंसान करता टू प्रोटेक्ट द फर्म फ्रॉम हिज लॉस ठीक है ओके नाउ सेक्शन नंबर ट्वेंटी थ्री इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय अ पार्टनर बोलता है मतलब देखो अगर मैंने कोई रिप्रेजेंटेशन दे दी ठीक है अगर मैंने कोई रिप्रेजेंटेशन दे दी तो वो क्या करेगी भाई फॉर्म को बाइंड करेगी इफ़ इट इज़ मेड इन द usual कोर्स ऑफ बिजनेस रिप्रेजेंटेशन या एडमिशन का मतलब क्या होता है कि भाई आप आए आपने मुझसे कुछ चीज़ पूछी और मैंने कहा कि हाँ ये आप ले जाओ ठीक है जैसे आप कुछ सामान ही ख़रीदने आए आपने कहा कि कौन सी अच्छी पेंसिल होती है जो टूटती नहीं है मैंने कहा आप ये ले जाओ अब पार्टनर हूं मैंने फर्म के बिहाफ तो रिप्रेजेंटेशन दी है ना क्या फर्म बाइंड होगा हो पर अगर मेरी ये रिप्रेजेंटेशन क्या थी अथॉरिटी के बाहर थी मतलब औकात के बाहर आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो या सामने वाले को पता है कि यार क्या पूछ रहे हो उसको तो स्टेशनरी का ए बी सी भी नहीं पता अभी जुम्मा जुम्मा पार्टनर बनाए तो भाई सामने वाले को पता है तो वो आगे ये क्लेम नहीं कर सकता है फिर उसको हम लोग भी पूछेंगे ना भाई तुम क्यों आए तुमने इससे पूछ के तुम पेंसिल क्यों लेके गए तुमको तो पता था कि इसको जानकारी नहीं तुमको कोई सीनियर पार्टनर से पूछना चाहिए था तो अगर अदर पार्टी को इस रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता है कि भाई इसके पास तो ये सही रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाएगा तो उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा कि द होल फर्म विल बी बाइंड फॉर देयर फॉर दिस पार्टनर्स एक्शन ठीक है अदरवाइज इन द यूजुअल केस फर्म के, मतलब जो भी पार्टनर रिप्रेजेंटेशन या एडमिशन करता है उसके लिए फॉर्म रिस्पॉन्सिबल होता है ठीक है सेक्शन नंबर ट्वेंटी फोर इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर ऑपरेट्स टू फॉर्म ठीक है नोटिस टू पार्टनर ऑपरेट्स नोटिस टू फॉर्म इसमें कुछ भी समझाने जैसा है ही नहीं भाई अगर आप धोखाधड़ी कर रहे हो बस तभी एक एक्सेप्शन आता है यहाँ पे प्लीज ऐसे करके लिख लो एक्सेप्शन इन केस ऑफ फ्रॉड ऑन फर्म जब फर्म के ऊपर ही फ्रॉड हो रहा है तो अलग बात है ठीक है बाकी केसेस में वेरी सिंपल ओके इस पर आपकी केस स्टडीज वगैरह भी बन जाती है ठीक है अब आते हैं हम सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव पे सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव क्या बोलता है लाइबिलिटी लाइबिलिटी किसकी लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर पर एक्ट्स ऑफ द फर्म और उसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर ट्वेंटी सिक्स बोलता है लाइबिलिटी ऑफ फर्म तो पहले ऑफ पार्टनर समझते हैं क्या हर पार्टनर लायबल होगा बिल्कुल मैम वो सेवरली भी लायबल होगा और जॉइंटली भी लायबल होगा मतलब अगर एक लाख रुपए की लायबिलिटी बनती है। आपने एक लाख का सामान लिया फर्म इज टू पे तो पार्टनर्स आर कलेक्टिवली लायबल फॉर दैट एक लाख रुपए जॉइंटली लायबल अगर चार पार्टनर है पच्चीस 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 हजार के लिए लायबल है पर वो सामने वाला बंदा किसी भी एक पार्टनर के ऊपर केस फाइल करके पूरा एक लाख भी उससे रिकवर कर सकता है क्योंकि वो सेवरली भी लायबल है इंडिविजुअली भी लायबल है हाँ बाद में आप बाकी तीन पार्टनर्स से भाई अपना उनका शेयर ले सकते हो बट सामने वाला पार्टनर वो सामने वाली पार्टी आपको सेवरली भी लाइबल कर सकता है मतलब आपको इंडिविजुअली भी लाइबल ठहरा सकता है और ज्वाइंटली भी लाइबल ठहरा सकता है मतलब वो चारों के ऊपर केस फाइल कर सकता है या किसी एक के ऊपर भी केस फाइल कर सकता है समझ में आई बात चलो ठीक है अब आते हैं हम लाइबिलिटी ऑफ फर्म के ऊपर लाइबिलिटी ऑफ फर्म का मतलब क्या है देखो अगर हमारे किसी रॉन्गफुल एक्ट से फर्म uh, को कोई लॉस या इंज मतलब थर्ड पार्टी को कोई लॉस या इंजरी होती है तो फर्म लाइबल होगा क्या आंसर इज यस होगा आपने थर्ड पार्टी ने बोला था हमें कि हमें पेमेंट कर दीजिएगा तीन तारीख तक हमें आगे कहीं पेमेंट करना है अब आई वॉज रिस्पॉन्सिबल मैं एक पार्टनर हूं मैंने उनको पेमेंट नहीं किया मतलब ये क्या हो गया मेरी गलत एक्ट हो गई रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अ पार्टनर भाई मुझे पेमेंट करना था मैंने नहीं किया इन द कोर्स ऑफ बिजनेस तो अब क्या हुआ सामने वाले बंदे को हुआ नुकसान ठीक है ये क्या मेरी अथॉरिटी के अंदर था बिल्कुल था तो क्या फर्म लाइबल होगा या सिर्फ अकेले मैं लाइबल होंगी फर्म लाइबल होगा सो फर्म इज लाइबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ पार्टनर ठीक है हाँ फर्म इज ऑल्सो लाइबल टू मेक गुड लॉस इफ पार्टनर रिसीव द मनी एंड मिस अप्लाइज इट मतलब मैम मतलब ऐसा हो सकता है कि ये न, फर्म ने पार्टनर को पैसे दिए कि बीस हजार भाई उसको जाके दे आओ और इसने कुछ कहीं और उसको यूज कर लिए तो अब क्या फर्म थर्ड पार्टी को वो बीस हजार रुपए नहीं देगी फर्म इज लाइबल टू मेक गुड द लॉस भाई थर्ड पार्टी को जो भी लॉस हुआ है या फिर आपने उधर दिए थे वो चुरा के भाग गया कुछ भी हुआ भाई थर्ड पार्टी को जो भी लॉस हुआ है जस्ट बिकॉज पार्टनर ने सही जगह पैसे नहीं लगाए पार्टनर ने वो पैसे उड़ा दिए फर्म इज गोइंग टू बी लाइबल हाँ फर्म क्या कर सकता है भाई पार्टनर से रिकवरी कर सकता है ठीक है ओके तो इतनी बात समझ में आ गई चलो अब आता है हमारा सेक्शन नंबर ट्वेंटी नाइन जो हमको बोलता है राइट ऑफ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट देखो पार्टनर्स इंटरेस्ट ट्रांसफर करने का मतलब क्या है आप कुछ अधिकार ट्रांसफर कर रहे हो अधिकार कैसा पार्टनर के पास क्या अधिकार होता है प्रॉफिट्स रिसीव करने का अधिकार अब ये अधिकार हम किसी और को दे रहे हैं मान लो हमने किसी से लोन लिया हम उसके पैसे नहीं पूरे कर पाए हमने बोला यार देखो ये पार्टनरशिप फर्म है जहां पे मैं पार्टनर हूँ इसपे से मेरे को हर महीने इतने प्रॉफिट्स मिलते हैं चलो ये तुम ले लो आई एम ट्रांसफरिंग दिस राइट टू रिसीव शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टू यू क्या ये जो बंदा है वो उस फर्म का पार्टनर बन गया द आंसर इज नो मैं ही पार्टनर रही उसकी कोई और नहीं बना ठीक है तो वो क्या बना ट्रांसफरी बना अब ट्रांसफरी के पास क्या हक होते हैं ट्रांसफरी ड्यूरिंग इन जनरल भाई वो बिजनेस में जाके उनके कंडक्ट में इंटरफेयर नहीं कर सकता है वो उनसे ये नहीं बोल सकता अकाउंट्स दिखाओ कहाँ क्या एंट्री की है ये सब कुछ नहीं बोल सकता है वो इंस्पेक्ट भी नहीं कर सकता है बुक्स ऑफ द फर्म जब फर्म डिजॉल्व हो जाएगा मतलब ख़त्म हो जाएगा तो वो जाके बोल सकता है भैया मेरा हिस्सा दे दो जितना भी मेरा शेयर बनता है वो दे दो और मेरा शेयर के लिए आपने क्या अकाउंट्स बनाए हैं फिर वो मुझे दिखा तो डिजोल्यूशन पे उसके पास ये हक रहता है अदरवाइज इन जनरल ही डज नॉट हैव दीज राइट्स ठीक है ओके माइनर के लिए आई थिंक आईव टोल्ड यू बिफोर आल्सो बट सेक्शन नंबर थर्टी है हमारा सेक्शन नंबर थर्टी है हमारा माइनर के लिए क्या माइनर को एडमिट किया जा सकता है एज अ पार्टनर द आंसर इज नो ही कैन नॉट बी अ पार्टनर बट ही में कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स फॉर बेनिफिट्स तो बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए वो ऐड किया जा सकता है अब उसके क्या अधिकार होंगे और क्या लाइबिलिटी होंगी अधिकार क्या होंगे भाई उसको अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट्स मिलेगा वो बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स की कॉपीज भी ले सकता है क्योंकि कॉपी लेके वो अपने कोई गार्जियन को कोई सीनियर को दिखाएगा भाई देखो ये सब ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है राइट तो कॉपीज भी ले सकता है कैन सी पार्टनर्स फॉर अकाउंट्स और फॉर पेमेंट अगर उसको आप बुक्स नहीं दिखाओगे तो भी वो आपके ऊपर आप उसको पेमेंट नहीं दोगे तो भी आपके केस फाइल कर सकता है। है? पर वो आपके ऊपर नहीं लेता है अब आते हैं भाई इसकी बात की लाइबिलिटी की जब तक ये मेजर नहीं हुआ भाई तब तक इसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं हो और इसको कभी इंसॉल्वेंट नहीं डिक्लेयर किया जाएगा बिकॉज इंसॉल्वेंट हम उसको डिक्लेयर करते हैं जिसकी लाइबिलिटीज एक्सीड कर जाती है फ्रॉम दी एस एस तो इसकी लाइबिलिटी तो होगी ही नहीं है ना ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई फर्म से इसको इतना लेना है वही फर्म में पैसा चला गया वो अलग बात है अदरवाइज इज नॉट पर्सनली लाइबल तो पर्सनली लाइबल फॉर डेथ दर्म बिल्कुल नहीं होगा पर जब ये मेजर हो जाएगा तो इसको छ महीने दिए जाएंगे कि भाई आप डिसाइड कर लो विद इन सिक्स मंथस वेदर यू वॉन्ट टू बी एडमिटेड एज अ पार्टनर टू दिस फर्म और नॉट अगर आप ये इलेक्ट करते हो कि नहीं, नहीं मतलब मुझे पार्टनर बनना है तो जिस दिन से आपने ये किया तब से यू विल बी पर्सनली लाइबल टू थर्ड पार्टीज फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन पर अगर आप इलेक्ट करते हो कि मुझे पार्टनर नहीं बनना है तो राइट्स एंड लाइबिलिटीज जो अप टू द डेट ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस थी तभी तक रहेंगी मतलब मैम मतलब अगर माइनर ये चूज करता है कि मुझे नहीं बनना है पार्टनर तो उसको एक पब्लिक नोटिस देनी पड़ती है जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है तब तक क्या कर देते हैं हम उसको लाइबल ठहरा देते हैं इमीडिएटली पब्लिक नोटिस प्लस अगर छह महीने तक मैं उसने कुछ बोला ही नहीं तो ना हाँ बोला ना, ना बोला तो भाई छह महीने के बाद से मान लिया जाता है पार्टनर राइट चलो इसके बाद आते हैं हम रीकॉन्स्टिट्यूशन या चेंज इन फॉर्म में जिसमें सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर सेक्शन नंबर थर्टी वन सेक्शन नंबर थर्टी フフ <clears throat> <clears throat> आइडियली अगर हम रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो इतने केसेस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन होते हैं एडमिशन रिटायरमेंट एक्सपल्शन इंसॉल्वेंसी डेथ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं राइट right? तो इतने केसेस हैं जो अब हमें डिस्कस करने हैं एडमिशन मतलब एक नया पार्टनर आ रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर तो क्या एक पार्टनर को हम एडमिट कर सकते हैं टू द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप द आंसर इज ये बिल्कुल कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं ओनली विद द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर अदरवाइज नहीं कर सकते हैं कोई भी नया पार्टनर इज नॉट लाइबल फॉर एक्सडन प्रायर टू हिज एडमिशन भाई ऑब्वियसली बात है जिस दिन से आप ज्वाइन करोगे उस दिन से आपकी लाइबिलिटी भी होगी है ना पर, पर अगर वो चाहता है कि नहीं यार कोई बात नहीं अपने दोस्त दोस्त की बात है चलो तुम भी क्या याद रखोगे आज से सारी लाइबिलिटीज तुम्हारी मेरी अब कोई भी पुरानी लाइबिलिटी भी अगर क्रॉप अप होगी तो वो भी उसके लिए भी आई एम गोइंग टू बी इक्वली जिम्मेदार एज यू ऑल तो मतलब जो नया या इनकमिंग पार्टनर है ही 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 टू बी 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 फॉर फॉर ओल्ड देन विल विल पास्ट लाइबिलिटीज ऑल्सो ठीक है हाँ ओके पर, पर, पर. <coughs> एक बात सुनो <coughs> समटाइम्स क्रेडिटर में अग्री टू एक्सेप्ट द न्यू फॉर्म एज देर लेटर एंड डिस्चार्ज द ओल्ड पार्टनर्स वो बात अलग है पर इन जनरल आप समझो कि हो सकता है एक नया पार्टनर आ रहा है उसने कहा कि यार आज से जितनी भी आज से के बाद जितनी भी लाइबिलिटीज आएंगी मतलब वो पुरानी भी कोई उठ के खड़ी आ जाए तुमने दो साल पहले किसी को सामान दिया था उसके आज तक पेमेंट नहीं किया है वो लाइबिलिटी उठ के खड़ी आ गई जिसके लिए तुम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ही रिस्पॉन्सिबल थे आई विल ऑल्सो टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका मतलब क्या ये होता है कि वो जो क्रेडिटर है जिसको दो साल पहले माल सप्लाई किया था क्या वो क्रेडिटर क्या वो क्रेडिटर इस नए पार्टनर के ऊपर केस फाइल कर सकता है द आंसर इज नो जस्ट बिकॉज पार्टनर्स में ये एग्रीमेंट हुआ है कि चलो तुम्हारी पुरानी लाइबिलिटी में भी मैं हिस्सेदार हूं इसका मतलब ये थोड़ा है कि इसने क्रेडिटर के साथ जाके कोई एग्रीमेंट कर लिया है कि क्रेडिटर इस नए पार्टनर पे केस फाइल कर रहा है कि आज से तुमने बोला है ना कि तुम भी रिस्पॉन्सिबल होगे तो मुझे तो तुम पे विश्वास है मैं विश्वास है मैं तुम पे सूट फाइल करूंगा नहीं कर सकते हो ठीक है सो दो इनकमिंग पार्टनर माइट हैव एग्रीड टू बी फॉर पास लैबिलिटीज ऑल्सो ही इज नॉट लेबल टू थर्ड पार्टीज बट ओनली टू हिज पार्टनर्स ठीक है हाँ फिर आता है हमारा अगला सेक्शन सेक्शन नंबर थर्टी टू जिसमें हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की बात करते हैं तो पार्टनर कैसे रिटायर हो सकता है भाई आपका जो भी एग्रीमेंट है आप उसके हिसाब से रिटायर हो अगर एग्रीमेंट नहीं है तो आप क्या करोगे नोटिस दोगे और उसके बाद रिटायर रिटायर हो जाओगे जब आप हुए तो हमारे लिए इफेक्टिव डेट्स क्या होती है आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट और आपकी डेट ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस तो भले ही आप इस दिन रिटायर कर गए पर यू विल कंटिन्यू टू तो बी लाइबल टू थर्ड पार्टी स्टिल यू गिव पब्लिक नोटिस तो जब तक आप पब्लिक नोटिस नहीं दे देते तब तक क्या होगा यू आर कंटिन्यूइंग टू बी लायबल ठीक है और रिटायरिंग पार्टनर और, चाहिए तो मैंने बता दिया रिटायर्ड पार्टनर मतलब जो रिटायर हो रहा है आप चाहो तो उसको डिस्चार्ज कर सकते हो फ्रॉम लायबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी ऑफ एक्ट ऑफ फॉर्म डन प्रायर टू हिज रिटायरमेंट बाय एन एग्रीमेंट किसके बीच में भाई जो थर्ड पार्टी है और जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में एग्रीमेंट होता है और इट मे बी इम्प्लाइड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग्स मतलब आज से मैं ये फर्म छोड़ के जा रही हूँ किसी एक क्रेडिटर का पैसा बकाया है मैंने उसको जाके बताया कि देखो मैं फर्म छोड़ के जा रही हूँ तो उसने कहा कोई बात नहीं कौन है भाई ये दो पार्टनर्स हैं एंड दे विल बी लाइबल उसने एक्सेप्ट कर लिया तो मैं और मेरे पार्टनर्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया चलो तुम जाओ अगर कोई भी लाइबिलिटी अराइज होगी तो हम लोग पे कर देंगे अगर फर्म के उसमें से नहीं हुआ तो वी विल बी पर्सनली लाइबल तुम जाओ कुछ उनके टर्म्स और कंडीशंस हो सकते हैं ना फॉर एग्रीमेंट फॉर सर्टेन केसेस दे माइट हैव अलाउड दैट तो अगर ऐसा हुआ है तो भाई तुम जाओ यू आर नॉट रेस्पॉन्सिबल ओके एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर सेक्शन नंबर थर्टी थ्री बड़ा खतरनाक टाइप का सेक्शन है भाई लात मार के धक्के मार के निकाल दिया पार्टनर को क्या ऐसा कर सकते हैं कर सकते हैं पर इसके लिए ना बड़ा जबरदस्त चीजें हैं कैन अ पार्टनर बी एक्सपेल्ट फ्रॉम द फर्म द आंसर इज यस हाउ ओनली बाय ऑफ पार्टनर्स इफ पावर एग्जिस्ट इन द पहली कंडीशन भाई पावर होनी चाहिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हमारे एग्रीमेंट में कि जब कभी भी ऐसी ऐसी होगी तो हम एक पार्टनर को मेजोरिटी मतलब मिलके चार पार्टनर्स हैं तीन लोगों ने मिलके क्या किया चौथे को निकाल दिया तो अगर आपके पास पावर है ऐसा करने की तो ही आप निकाल सकते हो अदरवाइज नहीं निकाल सकते अदरवाइज नहीं निकाल सकते ठीक है तो अगर पावर है और मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स ऐसा चाहते हैं तो निकाल सकते हैं पर भाई टॉर्चर या गलत थोड़ी ना करना है पार्टनर के साथ मतलब पर्सनल जानी दुश्मनी थोड़ी ना निकालनी है तो ये हमेशा गुड फेथ में होगा इसका जबरदस्त एग्जाम्पल दिया हुआ है जो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता भी है भाई तीन पार्टनर्स थे इन दो पार्टनर्स की बीवियां गई एक क्लब में और आपस में बड़ी इन्होंने एकदम कैट फाइट झगड़ा झगड़िया लड़ाई कर ली है ना उसके बाद क्या हुआ इसी खींचा में मिस्टर ए की बीवी को लगी भारी चोट घायल हो गई वो अब पहुंची अपने पति के पास ठीक है वैसे तो पति पत्नी होगी सुनते नहीं है पर उस दिन उन्होंने सुनी वो उनका ईगो ईगो बहुत हर्ट हो गया ऐसे कैसे बी की बीवी ने तुमको मार दिया वो गया बी के पास नहीं लड़ने वो गया सी के पास और उसने बनाई ये गुटी आपस में मिलके बोला यार हम दोनों मिलके ना ये बी को निकाल देते इसकी बीवी बड़ी अब जो भी है है ना इसने मेरी बीवी को देखो इतना हमारा देखो खून बह रहा देखो चोट लग गई है अब इन दोनों ने मिलके क्या किया बी को निकाल दिया जस्ट बिकॉज उसकी बीवी लड़ाकू थी और उसकी बीवी ने इसकी बीवी को क्लब में मारा था यह सही किया क्या मैम सवाल यह उठता है कि आपने बोल तो दिया कि गुड फेथ में निकालना है कैसे हमें पता चलेगा ये गुड फेथ में निकाला या नहीं निकाला गुड फेथ के तीन टेस्ट होते हैं पहला और तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए पहला जो एक्सपल्शन आप करोगे पार्टनरशिप बिजनेस के इंटरेस्ट में होना चाहिए भाई कहां से पार्टनरशिप बिजनेस के इंटरेस्ट में है जो हो सकता है वो जो मिस्टर बी है जिसको आप धक्के मार के निकाल रहे हो वो जबरदस्त बिजनेस ला रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसके इंटरेस्ट में तो नहीं है दूसरा आपको एक नोटिस देनी होगी मिस्टर बी को तीसरा एक अपॉर्चुनिटी देनी होगी अपनी बात कहने का अगर ये तीनों आपने किया है और मेजोरिटी के साथ किया है इसकी पावर आपके पास थी तो ये एक्सपल्शन बोनाफाइड होगा और माना जाएगा कि हाँ भाई ये पार्टनर आज से निकल गया अदरवाइज वो पार्टनर क्या कर सकता है ये एक्सपल्शन नल एंड वाइड होगा और पार्टनर आके आराम से कंटिन्यू कर सकता है फॉर फ्रॉम बीइंग अ पार्टनर ठीक है ओके okay. नेक्स्ट है हमारा इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर सेक्शन नंबर थर्टी इंसॉल्वेंसी के केस में क्या होता है भाई देखो कोई पार्टनर अगर एज किया जाएगा एज इंसॉल्वमेंट तो जिस दिन उसको डिक्लेयर कर दिया गया एज इंसॉल्वेंट उस दिन से क्या हो जाता है सजेशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाती है मतलब यहाँ पे पार्टनरशिप एंड हो रही है ऑब्वियसली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ठीक है अब क्या होता है कि मान लेते हैं एक तीन पार्टनर्स थे और उसमें से एक पार्टनर क्या हो गया इन्सॉल्वेंट हो गया बाकी दो तो पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वी आर नॉट गोइंग टू डिजोल्व द फर्म वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द बिजनेस हम पार्टनरशिप को क्या करेंगे कंटिन्यू करेंगे तो जो इंसॉल्वेंट पार्टनर की स्टेट होती है भाई वो लायबल नहीं होगी फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म ठीक है प्लस 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 उसके बाद जब सजेशन हो गया प्लस द फर्म इज नॉट लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द इंसॉल्वेंट डन आफ्टर द डेट ऑन विच ऑर्डर ऑफ adjudication इज मेड तो मतलब जिस दिन डिक्लेयर कर दिया गया उसको इन्सॉलमेंट उसके बाद भाई वो जाके सामान खरीद के ले आया फर्म के बिहाफ पे तो क्या फर्म लायबल होगा गया आंसर इज नो फर्म विल नॉट बी लायबल जैसे हमने रिटायरिंग पार्टनर के केस में देखा ना कि यार जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देते तब तक हम लायबल ठहराते हैं एक्सेट्रा एट्सेट्रा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट ठीक है ठीक है चलो ऑब्वियसली सामने वाले को पता होना चाहिए बहुत सारी चीज़ें हैं धीरे धीरे करके आपको सब समझ में आ जाएंगी अब आता है एक अरे डेथ का केस तो मैंने आपको बताया ही नहीं है ना डेथ का केस हाँ ये हमारा डेथ का केस सेक्शन नंबर थर्टी फाइव लाइबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन तो किसी पर्सन की डेथ हो गई तो क्या उसकी स्टेट लैबल होगी हाँ लैबल होगी फॉर ऑल द ओल्ड एक्ट्स अगेन नो पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड बट द स्टेट नॉट गोइंग टू बी लैबल पोस्ट हिज डेथ मतलब डेथ के बाद अगर कोई भी लाइबिलिटी फर्म की जनरेट हुई तो उसके लिए पार्टनर की डिसीज पार्टनर की स्टेट डिसीज पार्टनर की स्टेट क्या होती है भाई एक पार्टनर की डेथ हुई उसके पास बैंक बैलेंस है पांच लाख रुपए उसके पास एक गाड़ी है तीन लाख रुपए की उसके पास एक घर है एक करोड़ रुपए का तो वो सारी क्या हो गई उसकी स्टेट हो गई ये सब किसके पास गया लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास गया तो ये आपके पास एसेट्स गए तो आपके पास उसके एसोसिएटेड लाइबिलिटीज भी तो जाएंगी ना तो वो जो एसोसिएटेड लाइबिलिटीज होती है, है ना उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ठीक है चलो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं राइट्स ऑफ आउट गोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंप्यूटिंग बिजनेस एज वेल एज टू द शेयर ऑफ प्रॉफिट सब्सिक्वेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट दो सेक्शंस यहां पे हमारे चलते हैं एक सेक्शन नंबर 36 और एक सेक्शन नंबर 37 सेक्शन नंबर 36 क्या बोलता है कि जो आउट गोइंग पार्टनर है भाई वो कैर बिजनेस कैरी ऑन कर सकता है और वो एडवर्टाइज भी कर सकता है पर वो क्या नहीं कर सकता फर्म के नाम पे आप काम नहीं कर सकते आप ये जाके नहीं बोल सकते हो कि मैं तो

कि भाई तू जा रहा है और हमारा इतना सेंसिटिव सा बिजनेस है ना कि अभी तुमको बिज़नेस की सारी डिटेल्स पता है तुमको सारे लूपहोल्स पता है सब चीज़ें पता है तुम इसका यूज़ करके अपना एक चीज़ खोलोगे तो सब लोग तुम्हारे तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जेन्युन कंडीशंस हैं जेनुइन रिस्ट्रिक्शंस हैं तो एक काम करो एक साल तक यू आर नॉट अलाउड टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस एक साल बाद तुम कर लेना ठीक है तो अगर वैलिड रिस्ट्रिक्शंस हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो इम्पोज किए गए हैं तो ये बिल्कुल किया जा सकता है और ऐसे एग्रीमेंट को हम एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं बोलेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ठीक है तो क्या आउटगोइंग पार्टनर के पास अधिकार है टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस द आंसर इज येस है ठीक है पर वो तीन चीज़ें नहीं कर सकता फर्म का नाम यूज़ नहीं कर सकता ये नहीं बोल सकता कि मैं फर्म के बिजनेस को कैरी ऑन कर रहा हूँ फर्म के कस्टमर्स को या जो है उनके साथ डील करते हैं उनको सोलिसिट नहीं कर सकते ठीक है इसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर थर्टी सेक्शन नंबर थर्टी क्या बोलता है किसी भी मेंबर की डेथ हो गई या फिर वो रिटायर कर गया अब उससे दो सिचुएशन हो सकती है या तो आप पूरा का पूरा फॉर्म ही डिजोल्व कर दो कि बिजनेस खत्म यार वो बंदा था उसी की डेथ हो गई अब क्या बिजनेस कंटिन्यू करेंगे सब बेचो बेचो और जितना जिसका शेयर बनता है सब दे दो ठीक है और या तो आप ऐसी सिचुएशन कर सकते हो कि ठीक है पार्टनरशिप द बिजनेस विल नॉट डिजोल्व दब आप फॉर्म डिजोल्व नहीं कर रहे हो द रिमेनिंग पार्टनर्स ए एग्रीड कि हाँ हम हाँ, बिजनेस को क्या करेंगे कंटिन्यू करेंगे तो आप बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो आपने कोई सेटलमेंट किया ही नहीं वो पार्टनर था उसकी डेथ हो गई आप बिजनेस चलाते जा रहे हो चलाते जा रहे हो चलाते जा रहे हो अब ये जो आउट पार्टनर था इसको एक हक मिल गया क्या हक मिल गया कि ये चूज कर सकता है क्या चूज कर सकता है पहला ये कि आज डेथ हो गई ठीक है या आज रिटायर हो गए उसके बाद तीन महीने तक आपने बिजनेस चलाया फिर आप मेरा सेटलमेंट करने आए हो फिर आप मेरे पैसे दे रहे हो तो तीन महीने जो आपने मेरा कैपिटल यूज़ करके फर्म चलाया है तो आप एक काम करो या तो मुझे जैसे शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता था उतना तीन महीने का दे दो या फिर ये जो मेरा आपने कैपिटल यूज़ किया है उस पे 6 पर छः परसेंट पर एनम के रेट के इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट दे दो ये वो दोगे आप जो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा मतलब एट माई ऑप्शन शेयर ऑफ प्रॉफिट ईदर ही फिर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ सिक्स परसेंट पर आनेम ऑन द शेयर इन प्रॉपर्टी ठीक है इसमें एक छोटी सी बात और आती है कि भाई आम, कभी कभी ऐसा होता है कि एक रिटायरिंग पार्टनर है वो जा रहा है उसका जो शेयर है वो कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर या जो कोई continuing partner होता डिसीजन तो हो गया कि इतने में खरीद रहे, अभी पैसे नहीं मिले तो भाई खरीद लिया वो हो गया है ना अब तुमको सिर्फ उतने ही पैसे मिलेंगे तुमको शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं मिलेगा जितने में भी तुम्हारी डील फाइनल हुई है वो मिलेगा प्लस इंटरेस्ट मिल सकता है पर तुमको शेयर ऑफ प्रॉफिट या फिर इंटरेस्ट इन कैपिटल या प्रॉपर्टी वो सब नहीं मिलेगा ठीक है चलो अगला हम बढ़ते हैं सेक्शन नंबर थर्टी एट में छोटी सी बात है कंटिन्यूइंग गारंटी की uh, कि जो भी हमारा फॉर्म अगर रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ तो जो भी थर्ड पार्टी की गारंटी है वो भी वहीं पे खत्म हो जाती है उसके बाद आता है हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स क्या फर्म को रजिस्टर कराना कंपलसरी है दैट आंसर इज नो ये ऑप्शनल है पर अगर हम चाहें तो हम कैसे रजिस्टर करा सकते क्योंकि इनडायरेक्ट कंपल्शन किया है इनडायरेक्ट क्यों किया है क्योंकि बहुत सारे डिसएडवांटेजेस लगा दिए कि अगर फर्म को रजिस्टर नहीं कराओगे तो देखो ये ये नुकसान होगा तो लोग डर जा रहे हैं बोल रहे हैं बताओ यार ये सब नुकसान हो जाएगा इससे बेटर तो करा ही ले तो वो लोग करा ले रहे हैं है ना कहाँ रजिस्टर कराते हैं भाई सेंट्रल गवर्नमेंट एक रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म बनाती है हर स्टेट में और वहीं पर जाके हम क्या कराते हैं रजिस्ट्रेशन कराते हैं कैसे कराते हैं हम एप्लीकेशन देते हैं प्रिस्क्राइब फॉर्म में प्रिस्क्राइबड मैनर में पोस्ट से या फिर रजिस्ट्रार को डिलीवर वैसे करके पे जहाँ पे हमारा बिजनेस और फॉर्म सिचुएटेड मान लो हमने एक पर्टिकुलर सिटी में फॉर्म खोला है वहां पे उसका ऑफिस है तो वहीं का जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स होगा उसके पास हम जाके प्रिस्क्राइब फॉर्म में प्रिस्क्राइब फीस देने के बाद रजिस्ट्रेशन कराएंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जैसे फर्म का नाम क्या है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपकी कहा होगी और कहाँ कहाँ बिजनेस करोगे किस पार्टनर ने कब ज्वाइन किया पार्टनर के सारे फुल डिटेल्स परमानेंट एड्रेस और फर्म कब तक चलेगा एट विल है दो साल के लिए चार साल के लिए क्या है ये सब आप करोगे इट इज गोइंग टू बी साइंड बाय ऑल पार्टनर्स या फिर उनके एजेंट्स ठीक है और वेरीफाई करोगे इन द प्रिस्क्राइब मैनर ठीक है रजिस्ट्रेशन आपका इफेक्टिव हो जाएगा आफ्टर यू हैव फाइल्ड द फॉर्म ओके ठीक है मैम कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर हम ये रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं देखो एक्चुअली सेक्शन 58 एट वन ए में हमको दिया है कि विद इन वन ईयर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन फर्म पर 59 ए में ये भी दिया हुआ है कि भाई आप साल भर की सौ रुपए की कुछ ऐसी की पेनाल्टी लगेगी और उसके बाद आप कभी भी करा सकते हो सो आइडियली रजिस्ट्रेशन कैन बी डन एट एनी टाइम टाइम ड्यूरिंग लाइफ ऑफ पार्टनरशिप ठीक ठीक है है हाँ। बस छोटी छोटी उसकी और बातें हैं है? तो जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ भैया इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हर एक चीज इन ऑर्डर है तो वो उनका रिकॉर्ड उनका नाम क्या करेंगे दर्ज कर देंगे रजिस्टर ऑफ फर्म्स में और उनको क्या करेंगे एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देंगे अब सवाल ये उठता है सेस या इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन जो आता है सेक्शन नंबर सिक्सटी नाइन में जिसका सेक्शन नंबर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट भाई क्या होते हैं अगर हमने फर्म को रजिस्टर नहीं कराया तो क्या होगा फर्म या कोई भी और पर्सन कांट ब्रिंग एक्शन अगेंस्ट दर्ड पार्टी अदर पर्सन मतलब अदर पार्टनर एक्चुअली ठीक है हा फर्म और एनी अदर पार्टनर भाई आप किसी के ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकते हो, पर थर्ड पार्टी कैन स्यू मतलब अगर आप एक अनरजिस्टर्ड फर्म हो तो थर्ड पार्टी आपको स्यू कर सकती है उसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब मान लो मुझे थर्ड पार्टी से लेना है पांच हजार रुपए थर्ड पार्टी को मुझे देना है दो हजार रुपए उन्हें मुझे देना है दो हजार मुझे उनसे दोनों एक ही बात हो गई ना मुझे उनको देना है पांच हजार रुपए उनसे लेना है दो हजार रुपये ठीक है अब ठीक है तो देखो अब उन्होंने क्या किया मेरे ऊपर केस फाइल कर दिया मैं ठहरी अनरजिस्टर्ड फॉर्म तो मैं तो केस फाइल नहीं कर सकती उन्होंने मुझे केस फाइल किया अब केस का ट्रायल चल रहा है वो बोल रहे पांच हजार इनको देना है पांच हजार पांच हजार पांच हजार मैंने कहा ठीक है मुझे पांच हजार देना है भाई तुमको भी तो मुझे दो हजार देना है तो सेटल ऑफ सेटल डाउन करो सेट ऑफ करो तीन हजार ले लो बैलेंस, बोलेंगे ना, ना 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 तुम ठहरे अनरजिस्टर्ड फर्म तुमको ये सेट ऑफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा सेट ऑफ का बेनिफिट सिर्फ तभी मिलेगा जब स्यूट का पैसा तुम्हारा सौ रुपए से ज्यादा ना हो अगर सौ रुपए से ज्यादा है तो तुमको ये सेट ऑफ का फायदा मिलेगा ही नहीं तो एक और नुकसान हो गया भाई उससे पैसे लेने भी थे उसने तो कोर्ट में जाके केस लड़के अपने पैसे रिकवर करा लिया मैं कैसे उससे पैसे रिकवर कराऊ मैं तो उसके ऊपर केस भी नहीं फाइल कर सकता तो नुकसान है कि नहीं है बिल्कुल है मैम सो नीदर पार्टनर कैन क्लेम सेट ऑफ अरे यार क्या हो जाता है ठीक है कैन ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट द फर्म और पार्टनर और एलेस्ड पार्टनर ये किसके लिए है अ पार्टनर कैन नॉट मतलब एक पार्टनर एक पार्टनर है दूसरे पार्टनर के साथ गलत कर रहा है आप उनके अगेंस्ट भी सूट नहीं फाइल कर सकते हो पर इसका एक एक्सेप्शन होता है इसका एक एक्सेप्शन क्या होता है दैट इफ यू आर अ पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म आप चाहते हो कि फर्म डिजोल्व हो जाए आप केस फाइल कर सकते हो आपको पार्टनर्स आपके अकाउंट्स नहीं दे रहे हैं मतलब दिखा नहीं रहे हैं कि क्या है आप केस फाइल कर सकते हो आपको आपका हिस्सा नहीं मिल रहा है आप केस फाइल कर सकते हो जब फर्म डिजोल्व होता है तब ये चीजें आप कर सकते हो सो यू मे डिजोल्व द फर्म या डिजोल्यूशन पे आपको आपका शेयर या अकाउंट्स नहीं दिखाए जा रहे हैं तो आप केस फाइल कर सकते हो अदरवाइज फर्म या फर्म का पार्टनर थर्ड पार्टी पे केस नहीं फाइल कर सकता है फर्म के पार्टनर्स फर्म के ऊपर या आपस में केस नहीं फाइल कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर द गिवन एक्सेप्शन आप क्लेम नहीं कर सकते हो सेट ऑफ थर्ड पार्टी आपके ऊपर केस फाइल कर सकती है ठीक है बट देन देर इज नो इफेक्ट ऑन सर्टन राइट सर्टन राइट का मतलब क्या है थर्ड पार्टी आपको स्यू कर सकती है पार्टनर्स आप डिसोल्यूशन के लिए केस फाइल कर सकते हो रिसीवर um, आप प्रॉपर्टी uh, रिलीज हो जाएगी ऑफ इन्सॉल्वमेंट पार्टनर दिस इज बट ऑब्वियस राइट टू स्यू क्लेम और सेट ऑफ इफ़ द वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू हंड्रेड मतलब हंड्रेड से ऊपर होती है वो तो मैंने आपको बताई दिया एंड राइट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव टू स्यू फॉर प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म ये भी बट uh, ऑफियस बात है ठीक है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हो या लीगल हेयर्स हो डिस पार्टनर के तो वो भी अपना पैसा रियलाइज करने के लिए भाई आप पार्टनर हो ठीक है आप अनरजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर हो तो आप ऐसे इन जनरल कोई भी अधिकार के लिए केस नहीं फाइल कर सकते हो पर अगर आपको आपका शेयर चाहिए तो उसके लिए तो आप केस फाइल कर सकते हो ठीक है इसके बाद आता है भाई हमारा डिजोल्यूशन अब डिजोल्यूशन दो तरीके का होता है एक होता है डिजोल्यूशन ऑफ़ फर्म और एक होता है डिजोल्यूशन ऑफ़ पार्टनरशिप डिजोल्यूशन ऑफ़ फर्म का मतलब क्या है कि यार बिजनेस ही खत्म हो रहा है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब शायद कोई चला गया या शायद कोई आ गया तो पार्टनर्स बदल गए पर बिजनेस कैरी ऑन हो रहा है तो फर्म के केस में अगर फर्म डिसॉल्व होता है तो भाई हम सारे एसेट्स को बेच देते हैं लाइबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं मतलब पूरी की पूरी वाइंडिंग अप हो रही है पार्टनरशिप अगर डिजोल्व होती है तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है हम सिर्फ ऐसे लाइबिलिटीज को रीवैल्यू कर लेते हैं ताकि हम सेटल कर पाए अकाउंट्स को तो यहाँ पे कोई भी फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स नहीं होता है पार्टनरशिप के केस में फर्म की बुक्स पूरी की पूरी सॉरी uh, फर्म के केस में पूरी बुक्स बंद हो जाती है पार्टनरशिप के केस में बुक्स वगैरह इंटैक्ट रहती है क्योंकि आगे चलना है हमको ठीक है अब फर्म के अगर हम डिजोल्यूशन की बात करें तो दो तरीके से होता है पहला होता है कोर्ट के द्वारा डिसोल्यूशन ठीक है और दूसरा होता है विदाउट कोर्ट के द्वारा डिसोल्यूशन विदाउट कोर्ट के द्वारा डिसोल्यूशन मतलब हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं वॉलेंटरी डिसोल्यूशन हो रहा है तो कैसे-कैसे हो सकता है पहला सेक्शन नंबर 14 जब फॉर्म डिसॉल्व हो रहा है सारे पार्टनर्स की सहमति से मतलब हमने डिसाइड कर लिया इन अकॉर्डेंस विद कॉन्ट्रैक्ट कि चलो अब खत्म करते हैं जैसे एट विल है वी वांट टू डिसॉल्व वी कैन डिसॉल्व कोई दिक्कत नहीं है एट विल होता है तो कोई एक पार्टनर नोटिस दे देता है बाकी पार्टनर्स को तो भी वो डिसॉल्व हो जाता है ठीक है या हम सब एग्री कर रहे हैं तो बाई एग्रीमेंट या हमने बोला था चार साल का होगा तो उतना टाइम पीरियड खत्म हो गया तो हमारा डिजोल्व हो गया ठीक है बाई हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच मेक्स इट अनलॉफुल टू बी कैरीड आउट हम बना रहे थे सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट ने बैन कर दी क्या अब हम कर सकते हैं नहीं तो हमारा क्या वो बिजनेस बंद हो गया बिजनेस बंद बंद हुआ हुआ क्यों क्योंकि हो गया, हो Then, term, purpose, person, partner, ये सब चीजें हमारी हो सकती है मतलब भाई अगर हमने सोचा था कि हम एक साल के लिए पार्टनरशिप कर रहे वो एक साल खत्म पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो गया हमने सोचा था कि ये पर्टिकुलर टास्क के लिए पार्टनरशिप बनाई मतलब पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी कि ये क्रॉप अगर बिक जाएगी तो हमारी पार्टनरशिप खत्म वो क्रॉप बिक गई पार्टनरशिप खत्म किसी की डेथ हो गई तो उसके बाद भी हम डिसॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते अपनी मर्जी से ही कर रहे हैं डेथ के बाद आप कंटिन्यू भी कर सकते हो आप डिसॉल्व भी कर सकते हो कोई इनसॉल्वेंट हो गया आप कंटिन्यू भी कर सकते हो आप डिसॉल्व भी कर सकते हो ठीक है हा या फिर भाई गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू अदर पार्टनर्स एट विल थी कभी भी डिजॉल्व कर सकते थे हमने नोटिस दे दी अब सवाल ये उठता है कि डिजोल्यूशन बाय कोर्ट कब होता है जब कोई अनसाउंड माइंड का हो जाता है तो कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है कि भाई ये फर्म को डिजोल्व करो एक बंदा था तीन पार्टनर्स थे ए बी और सी ए क्या था सबसे ज्यादा इन्वॉल्व था ही वॉज एन एक्टिव पार्टनर सारा काम वही कर रहा था उस वो अनसाउंड माइंड का बन गया कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई इसको क्या करो फॉर्म को डिसॉल्व करो तो कोर्ट का आदेश है हम डिसॉल्व करना पड़ेगा परमानेंट इनकैपेसिटी हो जाती है जैसे पार्टनर्स थे तीन तीनों का एक्सीडेंट हो गया तीनों का हाथ कट गए फॉर सम रीजन तो अब ऐसे में क्या हो रहा है फिजिकल हाई फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि भाई इस फॉर्म को आप डिजोल्व करिए ठीक है मिसकंडक्ट के केस में मिसकंडक्ट मतलब कोई एक पार्टनर है जो फर्म के हित में काम नहीं कर रहा है बहुत मिसकंडक्ट कर रहा है तो बाकी पार्टनर्स ने क्या किया बाकी पार्टनर्स ने अपील की और उसके बाद फर्म ने वो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि इस फर्म को आप डिजोल्व कर दो तो डिजोल्व हो जाएगा ठीक है देन परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट के केस में भी क्या होता है डिजोल्व हो जाता है मतलब एक पार्टनर है वो क्या कर रहा है चोरी कर रहा है बार बार गलत अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है कैश खूब भर भर के अपनी पॉकेट में रखता है उसको अलाउड ही नहीं उसको बोला कि यार हज़ार से ज्यादा कोई पेटी कैश नहीं रखेगा खूब रख रहा है ठीक है तो ये सारे टाइप के केसेस जब होते हैं जब वो परसिस्टेंटली ब्रीच कर रहा है एग्रीमेंट को मतलब हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस में वो बार बार बाधा डाल रहा है वो बोल रहा है कि नहीं ऐसे नहीं करना है ऐसे नहीं करना है ऐसे नहीं करना है तो इट बिकम्स रीजनेबली इम्प्रैक्टिकल कि क्यार कैसे बाकी पार्टनर्स काम करेंगे आप हर दिन चोरी कर रहे हो तो उन लोगों ने क्या किया कोर्ट को बोला और कोर्ट ने क्या कर दिया डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे दिया ठीक है अगला हुआ भाई हम तीन पार्टनर्स थे इस पार्टनर ने अपने अधिकार टू शेयर द प्रॉफिट्स प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिए किसी और को अब ये अभी भी पैसे देना नहीं चाह रहा है बैंक वाले ने क्या कहा बैंक वाले ने कहा हम आपकी जो प्रॉपर्टी है इस पार्टनरशिप में उसको बेचेंगे और रिकवर करेंगे पैसे अब बेचोगे तो यार कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि चलो फॉर्म को डिजोल्व करो जिसका जितना हिस्सा है लो और उसके बाद इनका जो हिस्सा रहेगा वो बेचेंगे और तो ऐसे भी हो सकता है सो इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट दिस सिचुएशन टर्म्स लाइक दिस राइट कंटिन्यूसली बिजनेस में लॉस हो रहा है तो भी फॉर कोर्ट कैन ऑर्डर रिजोल्यूशन एंड जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड मतलब यही एक मात्र रास्ता बचा है हमारे पास यही एक सही रास्ता है जो हो सकता है जैसे पार्टनर्स है आपस में बात नहीं कर रहे हैं कैसे चलेगा डेड तो तो ले -ले -ले तो लॉक हो गया है मैनेजमेंट में कोई भी मैनेज करने वाला है ही नहीं कोई भी एक्टिव पार्टनर नहीं सब के सब है सबके सब स्लीपिंग पार्टनर बन गए यार कौन काम करेगा कैसे काम करेंगे हम लोग ठीक है लॉस ऑफ सबस्ट्रैटम ये सिंपल भाषा में एकदम मैं बोलूँ तो जो सपोर्ट था वो अब नहीं रहा मतलब मैम सपोर्ट था वो अब नहीं रहा मतलब जिस फाउंडेशन से आपने ये पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किया था वो ही नहीं रहा जैसे हो सकता है कि कोई एक पार्टनर हो और वो पार्टनर क्या कर रहा था Uh, हर तरीके से सपोर्ट कर रहा था या फिर मे बी आपका पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा था बिकॉज ऑफ अ गवर्नमेंट टेंडर और वो बहुत ही बेहतरीन था इसलिए बिजनेस चल रहा था वो ही नहीं रहा सो देयर इज इट कुड बी एनी थिंग इट कुड बी एनी सिचुएशन इट कुड भी एनी पर्सन इट कुड भी एनी सर्कमस्टांस कुछ भी हो सकता है सपोर्ट फाउंडेशन मतलब जो उसका ग्राउंड था यार यही नहीं रहा तो फिर क्या पार्टनरशिप चलेगा ठीक है फिर आता है हमारा कंसिक्वेंसेज ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म ठीक है अब अगर डिजोल्यूशन होगा तो भाई पार्टनर्स आप कंटिन्यू हो गए टू बी लेवल टू थर्ड पार्टीज जब तक आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है दैट इज बट ऑब्वियस राइट इट डज नॉट अप्लाई टू द केस ऑफ डिसीज पार्टनर टू द केस ऑफ़ इन्सॉल्वेंट पार्टनर एंड टू समवन जिसको पब्लिक नोटिस देने की ज़रूरत ही नहीं है लाइक अ स्लीपिंग पार्टनर है ना भाई डेथ हो जाती है तो पब्लिक नोटिस नहीं चाहिए इन्सॉलवेंट पार्टनर है तो तब से जब से वो ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन आ गया इन्सॉलवेंसी का तब से वो लाइबल नहीं होता है तो पब्लिक नोटिस तक हमको वेट नहीं करना होता है और स्लीपिंग पार्टनर को वैसे भी पब्लिक नोटिस नहीं देनी होते डोमिनट पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर कुछ भी कह सकते हैं तो ये तीन क्या हो गए हमारे एक्सेप्शंस हो गए ठीक है इसके बाद भी पार्टनर्स के पास अधिकार होता है कि जब तक डिजोल्यूशन नहीं हो जाता मतलब जब तक आपकी पूरी पूरी वाइंडिंग अप नहीं हो जाती तब तक भाई वो पेमेंट कर सकते हैं वो रिकवरी कर सकते हैं मतलब आपने डिजोल्व कर दिया डिजोल्यूशन ऑर्डर पास हो गया अब होगा क्या सारे एसेट्स को रियलाइज किया जाएगा सारी लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जाएगा तो इस प्रोसेस में हो सकता है मुझे किसी डेटर के पास जाना पड़े और जाके उससे पैसे लेने पड़े तो क्या एज अ पार्टनर इवन आफ्टर रिजोल्यूशन आई हैव द अथॉरिटी टू कलेक्ट दैट पेमेंट एंड बाइंड माय फर्म और पे सम पेमेंट एंड बाइंड माय फर्म यस आई विल स्टिल हैव दैट कंटिन्यूइंग अथॉरिटी टू बाइंड द फर्म और सारी म्यूचुअल एंड राइट्स एंड ऑब्लीगेशन कंटिन्यू करेंगी जो जरूरी हो टू वाइंड अप द फॉर्म मतलब कोई नया ट्रांजेक्शन जाके करके मैं अपने फर्म को बाइंड नहीं कर सकती पर वो चीजें जो जरूरी है फॉर वाइंडिंग अप उसके लिए आई हैव द कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ठीक है आप बिजनेस भी चला सकते हो जो आपको लगता है कि जरूरी है फॉर वाइंडिंग अप भाई एक पर्सन था उसने ऑर्डर लिया हुआ है और हमारे पास इतना माल है तो हम उसको सप्लाई करेंगे ना या हम नया ऑर्डर लेके भी जो हमारे पास माल है उसको तो सप्लाई करेंगे ना तो ये आप कर सकते हो विच इज नेसेसरी टू वाइंड अप अफेयर्स ठीक है देन आता है हमारा सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स जो सेक्शन नंबर फोर्टी में आता है ठीक है सेटलमेंट कैसे होगा देखो एक चीज होती है हमारी एसेट्स भाई जितने भी एसेट्स बेचे गए जितना भी पैसा रियलाइज किया आपने एक करोड़ दो करोड़ सबसे पहले आप थर्ड पार्टी के डेट्स को पे करोगे उसके बाद आप पार्टनर्स का वो पैसा पे करोगे जो उन्होंने ओवर एंड अबव दिया है द कैपिटल कंट्रीब्यूशन मतलब जो एडवांसेज होते हैं उसके बाद आप उनका कैपिटल का अमाउंट पे करोगे जो उन्होंने लगाया था और उसके बाद अगर कोई पैसा बचता है तो वो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे अगर पैसे घट गए मतलब यू आर अनएबल टू इवन पे थर्ड पार्टीज़, मतलब लॉसेज है आपके पास तो आप क्या करोगे भाई पहले आपने देख लिया जितने प्रॉफिट्स है उससे लॉसेज को सेटल डाउन कर लो उसके बाद जो कैपिटल है इनका उसमें से पैसे निकाल लो अगर उनका वो कैपिटल भी पूर्ति नहीं हो रहा है तो पार्टनर्स को बोलो कि भैया आप और पैसे लेके आओ तो वो इंडिविजुअली उस प्रपोर्शन में जिसमें वो शेयर कर रहे थे प्रॉफिट्स वो उस प्रपोर्शन में शेयर करेंगे लॉसेज ऑफ द फर्म ऑल्सो ठीक है ओके okay. एंड वन बेसिक थिंग विच आई थिंक आईव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो बट सेक्शन नंबर फोर्टी नाइन में वो स्पेसिफिकली लिखी है कि भाई अगर आपके ज्वाइंट डेट्स भी हैं और सेपरेट डेट्स भी हैं फर्म की प्रॉपर्टी यूज होगी पहले ज्वाइंट डेट्स के पेमेंट में पार्टनर की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी यूज होगी पहले सेपरेट डेट्स के पेमेंट में मतलब मैं एक पार्टनर हूँ मैंने एक बैंक से लोन लिया हुआ है पचास हजार रुपये ठीक है और मैं इस फर्म में पार्टनर भी हूँ और फर्म की भी कुछ लाइबिलिटी है ठीक है मेरे पास बैंक अकाउंट में है साठ हजार रुपए तो इस साठ हजार में से पचास हजार पहले मेरी पर्सनल जो लाइबिलिटी है वो पे ऑफ कर दी जाएगी दस हजार ये सरप्लस जो बचा ये आप यूज कर सकते हो फर्म के जॉइंट डेट्स पे करने में ठीक है तो ये सिंपल रूल है नहीं तो कोई बोल सकता है ना यार मेरे हाँ बाकी पार्टनर्स में क्या होगा नहीं तो फिर डिस्प्यूट हो जाएगा ठीक है सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर चलो